Hi guys, good morning. Welcome to the very excitement batch, that is 12th accounts batch, right? So we are here starting with the new subject, that is accounts. Okay, before starting, let me give my introduction. My name is Prashant Jangle and I'll be taking this subject for Maharashtra board, correct? So let's begin. Okay, so on the screen you can see we are here on the 12th accounts batch. बराबर कौन सा बैच अपना 12th accounts batch regular course है पूरा एकदम अच्छे से और वो भी कौन सा महाराष्ट्र बोर्ड के लिए करेक्ट ठीक है आगे बढ़ते अपन इसके अंदर सो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सो वॉट वी आर स्टार्टिंग टूडे इज चैप्टर कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत ही ट्रिकी सा चैप्टर है लोगों को लगता है कि सर ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट है पर हाँ लेकिन याद रखना ये चैप्टर उतना ही ईजी है अगर आपके कंसेप्ट आर मच क्लियर ठीक है सो वी विल फोकस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि अपन क्या करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चन नहीं बोल सकता हूँ कंसेप्ट बोल सकता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी होता है राइट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले अपने को पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा छोटे छोटे कंसेप्ट जो है उसको फिनिश कर देते हैं उसको फिनिश करने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिकल अच्छे समझ में आएगा क्योंकि आपके जो स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट है जो लोग इग्नोर करते हैं उसको अपने क्लियर कर देते हैं देखो रेगुलर कोर्स है तो थ्योरी पे भी फोकस करना पड़ेगा राइट नॉट ओनली ऑन प्रैक्टिकल यस ऑन थ्योरी ऑल्सो तो ऐसा नहीं कि थ्योरी आता नहीं सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है एग्जाम भी प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है बट थ्योरी आना प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए थ्योरी आना बहुत जरूरी है सो इसी के साथ हम बढ़ते आगे तो देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक टॉपिक है ठीक है ना यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा नहीं पर अभी टॉपिक का नाम आएगा आगे ठीक है तो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला ये काफी मजा आएगा आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रख के बैठना है जी हाँ और इसका जो थंबनेल था आपने थंबनेल देके आया राइट तो थंबनेल काफी इंटरेस्टिंग था तो आगे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वही सब चीज में कवर होने वाली राइट तो अभी एक काम करते हैं सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको लिखना पड़ेगा मैं भी लिखूंगा साथ साथ में और आपको बोलूंगा लिखने के लिए राइट सो पूरा फोकस करना अच्छे से आइए स्टार्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सो चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा बड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे पता है काफी लोगों को पता है ये चैप्टर क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा है दिस इज चैप्टर नंबर 7 आई थिंक यस दिस इज चैप्टर 7 और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है मेरे हिसाब से क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड है कंसेप्ट आता है तो प्रैक्टिकल आएगा कंसेप्ट नहीं प्रैक्टिकल नहीं खत्म बात हुई है ठीक है ना तो आइए एक एक करके देखते हैं पूरे पहले पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे बहुत ईजी है इसका एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा एग्जाम में सो ऑप्शन बेस्ड तो ये चैप्टर है नहीं राइट सो ये काफी मैं बोल सकता हूँ वापस से बोल रहा हूँ घूम फिर के वही बोल रहा हूँ इन अ नटशेल दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक बोल सकते हैं कि कुछ अलग तरीके से पढ़ाना अपने को तो इस चीज में कुछ ऐसे कैसे कुछ ऐसे 3D मॉडल्स हो सकते आपके दिखेंगे आपको या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मिलेगा जिससे कि आपके सामने जो ये कंसेप्ट होगा ये कंसेप्ट विल बी वेरी इजी राइट सो आइए देखिए सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेक्ट ठीक है सो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने से पहले मुझे पहले बताइए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक है ना ये टॉपिक आपके ओल्ड सिलेबस में था या न्यू सिलेबस में था ये टॉपिक ओल्ड में भी था और न्यू सिलेबस में था आई होप आपको सबको पता होगा कि वी आर फ्रॉम न्यू सिलेबस राइट हम लोग न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं राइट इतना कोई चेंज नहीं है तो बस चेंज मैं वो चेंज बोलता देखो ओल्ड सिलेबस में टोटल चैप्टर्स थे उसमें से चैप्टर 1 जो था वो था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्या था बेटा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और चैप्टर नंबर 2 जो था वो था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स क्या था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बस अब न्यू सिलेबस में क्या कर दिया उन्होंने चैप्टर 1 को और चैप्टर नंबर 2 को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया है और लिख दिया है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स तो काफी इतना चेंज नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत चेंज एक आता न्यू चैप्टर आ गया लास्ट में लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो ऐड हो चुका है और कुछ नहीं और एक चैप्टर जहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का था वो 11 में चला गया और यहाँ से डिलीट हो चुका है सो ये थोड़ा बहुत चेंज है आई थिंक मेनली 10-20% का चेंज होगा बाकी कुछ इतना चेंज नहीं है ठीक है सो ये टॉपिक जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले भी होता था अभी भी है पहले भी इंपॉर्टेंट था और अभी भी इंपॉर्टेंट है सो लेट अस स्टार्ट सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है देखो सर अब हम लोग शुरू करेंगे देखो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे आपको मैं कुछ ऐसे स्टोरी फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद उस स्टोरी को अपन इमेजिन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि स्टोरी कैसे होती है क्यों आया पिक्चर में ठीक है ना सो अपन को पढ़ना है कि बिफोर स्टार्टिंग व्हाट लेट्स फोकस ऑन वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो मैं देखो डायरेक्टली थ्योरी नहीं बोलूंगा आपको दिखाता हूं पहले कैसे वाई एक स्टोरी फॉर्म कर रहे हैं देखो सबसे पहले आपके सामने चिंटू दिख रहा है ना ये जो भाई साहब दिख रहे हैं आपके सामने ईयरफोन्स लगा के मस्त गाना सुन रहे एकदम है ना ये बंदा बहुत खुश था क्यों खुश था क्योंकि अपने 11th में पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था सोल प्रोपर्टरशिप क्या पढ़ा था आपने सोल प्रोपर्टरशिप ये वही बंदा है जो बिजनेस कर रहा है सोल प्रोपर्टर दिस इज हिज प्रोपर्टर राइट सो ये बंदा जो है इसका बिजनेस है इसका नाम है सोल प्रोपर्टरशिप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है इसने अकेले ने स्टार्ट किया और काफी इंटरेस्टिंग से बिजनेस कर रहा है काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है जितना भी पैसा लगाया था इसके पास था सारे लगा सब कुछ लगा चुका है और जितना भी प्रॉफिट आ रहा है अकेला ही पूरा प्रॉफिट ले रहा है अब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि कुछ ऐसे बिजनेस कर रहे थे मतलब कि ये बहुत ज्यादा खुश था कि भाई मुझे किसकी जरूरत नहीं है मैं बहुत यो एकदम आउटस्टैंडिंग आपको दिख रहा
होगा किस तरह से ये डांस कर रहा है, नाच रहा है ना, यो अभी मैं किसको, मैं बहुत आगे बढ़ेगा, मेरा मैं अकेला हूँ, अकेला मालिक हूँ, ऐसा ऐसा बहुत चल रहा था। ठीक है, देखो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा खुश चल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि फ्यूचर में इसको क्या हुआ, देखो कि ये बंदा जो है ना, ये इतना पैसा लगा चुका था कि अभी इसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई इसके बाद लिमिट ही खत्म हो चुकी, कैपेसिटी के बाहर जा चुका था। इसको बिजनेस और भी एक्सपांड करना था, लेकिन जो पैसा है वो पैसे नहीं मिल रहे थे, पैसे नहीं थे तो इसको जो गुड्स थे वो गुड्स उसको उधार पे नहीं मिल रहा था, क्रेडिट पे कोई भी गुड्स देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि क्रेडिट नाम की चीज चल नहीं रही थी। पहले जमाने में पैसा तो अभी आया, राइट, पहले जमाने में क्या लगता था, जबान पे लोग गुड्स देते थे, भाई चल दिया गुड्स, या ट्रस्ट पे देते थे, भरोसा है ना कि भाई ये बंदा बहुत पक्का है जबान का, ये पैसा ला के दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कोई पैसा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, भाई मैं आया आपके पास दे दूंगा, जबान दिया, ट्रस्ट था लोगों को, उस ट्रस्ट पे लोग पैसे देते थे। तो अभी ये बंदा जो है अपने आसपास काफ़ी ढूंढ रहा है कि भाई मुझे कोई तो गुड्स दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बैंक से लोन ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ, सब कुछ पावर खत्म हो चुका है, मेरी कैपेसिटी के बाद चल गया, जितना था मेरे पास सब का सब लगा चुका हूँ, अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। देखो कैसे घूम रहा है, आसपास देख रहा है कि कोई तो दे दो मुझे लोन, अरे कोई तो दे दो मुझे लोन, लेकिन इसको लोन देने के लिए कोई नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है और इसको कोई गुड्स दे देगा नहीं। सिंपल सी बात है ना, मेरे पास गुड्स नहीं आएंगे तो मैं सेल क्या करूँगा, सेल नहीं कर पाऊंगा तो बिजनेस कैसे आएगा। तो सेल करने के लिए गुड्स सेल करने के लिए गुड्स लाना भी तो पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। तब आती है एक पिक्चर में कहानी का, देखिए ये भी बंदा आसपास पूरा घुमा, 360 पूरा घूम के आया, लेकिन कोई इसको नहीं मिला। लेकिन एक दिन इसकी किस्मत चमक गई और इनके सामने आई एक इनकी फ्रेंड, ये मैडम जी आए, ये मैडम जी बोलते हैं डोंट वरी, हम हैं इधर, हम आपको उधार देंगे, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको क्या गुड चाहिए मेरी दुकान से ले लेना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप मेरे पास से गुड्स ले लो और आगे आप सेल कर देना, पैसे जब आएंगे तब दे देगा, कोई टेंशन नहीं। ये कब की बात हो रही है, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं होता था, राइट, सो तब की बात हो रही है। ये काफ़ी खुश थे लोग, तो बोले कि चलो ठीक है, काम करते हैं। देखो ये बंदा जो है ये इनके पास जाएगा, ठीक है ना, ये इनके पास गया, इनके पास क्या गया, इनके पास गया क्रेडिट लेने के लिए, क्या लेने के गया, क्रेडिट लेने के लिए गया। तो इन्होंने क्या किया, उसको क्रेडिट दे दिया, यस शी हैज गिवन द क्रेडिट। अभी क्रेडिट कितने का दिया, समझो फॉर एग्जांपल 10,000 का, ठीक है ना, 10,000 का क्रेडिट दिया, मतलब गुड्स दिए होंगे, और गुड्स दिया किसको, इस चिंटू को, चिंटू मतलब कौन, दिस इज ए, राइट, फॉर एग्जांपल ए लेते हैं। अभी चिंटू को क्या दिया, गुड्स दिए, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी पैसे देने, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या दूं आपको, भरोसा कुछ नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं, मैं क्या करूं। तो इसने बोला कोई टेंशन नहीं, एक वर्ड है ट्रस्ट, ट्रस्ट के नाम पे आपको गुड्स दे रही हूं, जब आपके पैसे आएंगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे आप पैसे लौटा देना। तो ऐसा कुछ उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ नॉर्मली। तो ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या बंदा बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन बाद में दे देंगे। ये ट्रस्ट की बात हो रही है कब, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में नहीं था। अब सीन ऐसा हो चुका है कि लोगों का ट्रस्ट दिन ब दिन कम होते जा रहा है। अब लोग भाई भाई लोग ट्रस्ट नहीं करते यार, क्या बोलना, ट्रांजेक्शन की दूर की बात है, कस्टमर्स दूर की बात है, लोगों को ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं, या तो कैश दो या तो क्रेडिट चेक दो, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेडिट देखो आपको मैं सिंपल बोलता हूँ, कोई भी बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो एक ही सिस्टम है, एक ही फंडा है, उनको पहले कस्टमर को, आप कस्टमर को लत दो, कस्टमर को बोलते ना कि अट्रैक्ट करो, कैसे अट्रैक्ट करोगे, कस्टमर कब आएगा आपके पास, व्हेन यू विल गिव क्रेडिट, राइट, आप क्रेडिट देना शुरू कर दोगे तो कस्टमर ऑटोमेटिकली क्रेडिट के लालच में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं कि सबको क्रेडिट देना है, आपको पहले कस्टमर के बारे में पूरा बिहेवियर जानना पड़ेगा कि क्या है, कैसा उसका पेइंग कैपेसिटी है, जो भी है। तो वो सब देने के बाद आप क्रेडिट दो, क्रेडिट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, क्रेडिट होगा तो बिजनेस बढ़ेगा, धंधा बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, सिंपल रूल आपको पता होगा, राइट, ओके। तो आगे बढ़ते देखो ये सीन हो गया, पर अभी मॉडल्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा अलग दुनिया में जाते हैं, राइट, आप के सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, रिलेटेबल लेते हैं, जिसको आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना, ये मॉडल्स ठीक है, चलो ठीक है, 3D मॉडल्स है तो समझ जाएगा कि एनिमेशन में सबसे हो गया। पर अभी हम क्या करते हैं, कुछ अलग फेस में आते हैं जो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो आपको अपने इनको तो आप जानते होंगे, किनको, ये जो बंदा आपके सामने आ रहा है अभी, इनको तो आप जानते हो, ठीक है ना, देखा ना इनको कभी, यस, कौन है इनका नाम बताइए जरा, क्या नाम है इनका, हाँ राजू, अच्छा ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर राजू, ठीक है ना, लुक एट द वे ही स्टैंडिंग मैन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पोज है ये, इनके इस तरीके को खड़े रहने से तरीका रहा है कि भाई अपन के पास बहुत पैसा है, अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, सिंपल सी बात है, बहुत पैसा अपने पास, ऐसा ये दिखा रहा है। पर इमेजिन करो है, देखो रियल वर्ल्ड में आपने जो इनको देखा होगा वो बहुत अलग चीज़ है, उसका आप यहाँ पे रिलेट मत करो, ये चीज़ आपको जिस आपके प्रैक्टिकल के लिए आपको लिए भाई समझ रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसा था, तो आपको फ्यूचर में जब क्वेश्चंस करोगे आप तो ऐसे एग्जांपल को रिलेट कर पाओगे, है ना। ए बी ए नॉर्मली एग्जांपल ले सकते नहीं, ए बी सी भी ले सकते हैं, पर वो कैसे याद देता नहीं, इसको एग्जांपल लेंगे तो फिर आपका कभी भूलेगा नहीं आप, सो एकदम प्रैक्टिकल लेंगे अपन। सो ये बंदा जो है राजू, ठीक है ना, ये राजू जो है ये बहुत पैसे वाला बंदा है, इनके पास बहुत पैसा है, बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस है ना, आपको पता होगा क्या बिजनेस है, क्या है, कैसा, कितना पैसा कहाँ से आया, ये बहुत बड़ा पैसा इनके पास है, ये बंदे जो ये सबको पैसे देते हैं, नहीं, और इनका बिजनेस बहुत बड़ा है, ये डबल पैसे करते रहते हैं। तो ये राजू जो है, राजू एक दिन ऐसे खड़े थे जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप ये ढूंढ रहे थे कि कोई कस्टमर मिल जाए, मैं उनको दा दूं ना, मेरा गुड बिजनेस है, बिजनेस चलाना है। तब इनके सामने आए
एक नए मोहतर, इनको भी पहचानते होंगे राइट, ये जो जेंटलमैन आपके सामने आया लेजेंड्स, इनको भी आप जानते होंगे, दिस इज द डिफरेंट पर्सन। तो अभी मैं स्टोरी सुनाता हूँ। ये है राजू, ये कौन है बॉस, इनका नाम क्या है, क्या नाम इनका, क्या नाम, कचरा सेठ, अच्छा ठीक है, इनका नाम है कचरा सेठ, जैसे आप बोल रहे हैं इनका नाम है कचरा सेठ, ठीक है नोटेड, कचरा सेठ एंड राजू, ये दो बंदे बॉस, एक राजू एंड एक कचरा सेठ, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ सीन, राजू एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और जो कचरा सेठ आपको दिख रहा होगा इनके चेहरे से ही कि इनको उधार की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, राजू जो है बिजनेसमैन है और ये जो कचरा सेठ है नॉर्मल पर्सन है जिसको क्रेडिट चाहिए होता है, ढूंढ रहा है क्रेडिट, जैसे अपना था ना वो घूम रहा था कि भाई क्रेडिट कौन देगा कौन देगा ऐसा। तो अभी कचरा सेठ को क्या हुआ, कचरा सेठ जो है अपने आपके अपने कचरा सेठ ना, तो कचरा सेठ गए राजू के पास, ठीक है ना, बोलते राजू भाई बिजनेस चलाना है उन, अब इनको इनका बिजनेस क्या पता आपको पता होगा राइट, आपने वो देखा वही ले लो जो आपने देखा होगा कहीं पे। तो ये जो कचरा सेठ है इनका इनका बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ए टू जेड कुछ तो है। अब इनको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या फिर कुछ बिजनेस को बढ़ाने के लिए दे ही नीड अ क्रेडिट, अब इनको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट देगा कौन। सो राजू के पास गए, राजू बोलता है ठीक है मैं क्रेडिट देता हूँ, जो प्रैक्टिकल जो असलियत में है वो छोड़ दो, इधर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। तो राजू बोलता है कि ठीक है मैं आपको क्रेडिट देने के लिए रेडी हूँ। अब क्रेडिट देने के लिए रेडी हूँ इसका मतलब क्या हो गया, राजू के पास ये गया, राजू ने क्या किया इनको क्रेडिट दिया, क्या दिया बेटा, अरे एनर्जी, क्या दिया इनको, क्रेडिट दिया। अब कितना क्रेडिट दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 40 लाख रुपीस का, कितना 40 लाख, 40 लाख रुपए का, ये 40 लाख मैंने क्यों लिया आपको पता होगा, 40 लाख रुपीस का इन्होंने क्रेडिट दिया, किसने दिया, राजू हैज गिवन द क्रेडिट टू मिस्टर कचरा सेठ। तो अब राजू ने क्रेडिट दिया कचरा सेठ को, कचरा सेठ आए बोले ठीक है पैसे दो, पैसे लिए और वो निकलना शुरू हो गए। तो राजू बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है, तो बोले तू बिजनेस करने जा रहा हूँ, धंधा करने जा रहा हूँ, तो बोले मेरे पैसे लेके जा रहा हूँ, उधार दिया आपने, मैं लेके जा रहा हूँ। तो बोलते जा रहा तो है, कुछ देके तो जा, क्या कुछ देके तो जा, तो बोले भरोसा नहीं है, नहीं बेटा भरोसा आज नहीं रहा, भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं, ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तू लेके जा रहा है पैसे लेकिन क्या भरोसा कि फ्यूचर में तू पेमेंट देने से डिनाई कर दे, मैं लेके नहीं गया, मेरे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तब उस पर्टिकुलर प्रूफ का जो बड़ा है ना, ये प्रूफ, इस प्रूफ की वजह से ये पिक्चर में आता है एक पूरा कंसेप्ट जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या नाम बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हुंडी, क्या बोलते बेटा, हुंडीज, आप लगता है ये बहुत ऑकवर्ड सा नाम है लेकिन हाँ यही नाम है हुंडीज, ठीक है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मली नोन एज हुंडीज, आप बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है राजू ने क्या किया, बोला ठीक है काम कर दो मिनट बैठ, अपन का काम करते हैं, मैं पेपर लेके आता हूँ, उस पेपर में लिखता हूँ कि मैं सी माइसेल्फ राजू, मैंने आपको उधार दिया 40 लाख रुपीज का एंड यू विश टू पे मी बैक आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स जो भी है, टाइम पीरियड लिख दिया ओके, और फिर मैं साइन कर दूंगा, तू साइन कर देना, फिर क्या होगा, एक कॉपी तेरे पास एक कॉपी मेरे पास, फिर मैं 2-3 महीने का वेट कर दूंगा, जब 2-3 महीने खत्म हो जाएगा सो आप मुझे पेमेंट लेने आओगे, फिर वो पेमेंट दूंगा, जब पेमेंट लेने आओगे मुझे आप, तो मैं आपको जो बिल मेरे पास जो बिल बनाया अभी मैंने वो बिल मैं कैंसिल कर दूंगा, मेरे पैसे ले लूंगा, बिल आपको वापस आपको दे दूंगा। सो इट इज जस्ट नॉर्मल प्रोसेस, किसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आगे देखो क्या हुआ, देखो इन्होंने क्रेडिट दिया 40 लाख रुपीज़ का किसको, कचरा सेठ को। अब मुझे बताओ उधार दिया किसने, राजू ने, किसको दिया, कचरा सेठ को। आप बताओ उधार देने वाला कहना से दिस इज, उधार देने वाला मतलब कहना से दिस इज क्रेडिटर, ही इज अ क्रेडिटर, और जो लेने वाला है उसको हम बोलते हैं डेटर, जो उधार उधार पे जिसको सेल करते हैं वो डेटर ही हुआ ना अपना, ठीक है। तो क्रेडिटर विल गिव टू, क्रेडिटर विल गिव क्रेडिट टू डेटर, बराबर है, क्रेडिटर विल गिव क्रेडिट टू डेटर, क्रेडिटर डेटर को उधार देगा, सिंपल। अब क्रेडिटर ने क्या किया, एक बिल बनाया, क्या बनाया बेटा, एक बिल, इस बिल को नाम दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस पर एक पूरा फॉर्मेट मैं बताऊंगा आपको, फॉर्मेट कैसा होता है स्पेसिमेन पूरा, कि ऐसे ऐसे यहाँ लिखता है, डेट वगैरह आता है, स्टैम आता है, डेट आता है, अमाउंट आता है, साइन होता है, सब कुछ होता है, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम, सब ठीक है, डेटर का नाम, क्रेडिटर का नाम, एवरीथिंग। तो हाँ, तो ये स्पेसिमेन आगे आएगा, पर मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसा होता है। तो ड्रॉवर ने जो जो बंदा है आपके सामने राजू, इनको ये इसका नाम क्या हो गया अभी, क्रेडिटर, बराबर, क्योंकि इसने क्रेडिट दिया। अब सिंपल सी बात है, क्रेडिट दिया है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक मिनट, इसको कट कर देता हूँ, क्रेडिट दिया है तो सिंपल सी बात है, द पर्सन हु गिव्स द क्रेडिट। अच्छा बताओ उधार दिया जैसे राजू ने, वो बिल जो था, बिल कौन बनाएगा, उधार देने वाला बनाएगा ना, उसके लिए प्रूफ की बात है ना। तो जो द पर्सन हु इज गिविंग द क्रेडिट विल प्रिपेयर अ बिल, दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम देंगे उसको बेटा, बिल्स ऑफ, बोलिए बोलिए क्या नाम देंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसका नाम ये जो किसने बनाया, ये राजू ने बनाया। तो द सिंपल सी बात होगी, द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द बिल, ड्रॉइंग द, बोले वर्ड कौन सा क्या, ड्रॉइंग, टेक्निकल वर्ड्स है ड्रॉइंग, उसको हम बोलते हैं ड्रॉवर, क्या बोलते बेटा, ड्रॉवर, द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, मतलब क्रेडिटर, जो उधार देने वाला है ड्रॉवर, ठीक है ना। अब ड्रॉवर ने बिल बनाया किसके नाम पे बनाया, कचरा सेठ के नाम पे, क्योंकि उधार वो लेके गया था, तो कचरा सेठ बन गए ड्रॉई, क्या बन गए बेटा, ड्रॉई।
तो दो चीज हो गई, एक ड्रॉवर एक ड्रॉई। मुझे बताओ ड्रॉवर कौन? द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर द ड्रॉवर हो गया। अब ड्रॉई मतलब कौन? ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, मतलब क्या? द ड्रॉवर हैज ड्रॉन द बिल, बट द बिल इज ड्रॉन ऑन होम, द बिल इज ड्रॉन ऑन मिस्टर कचरा सेठ। तो कचरा सेठ कौन हो गए? ड्रॉई हो गए। डेटर थे ना, डेटर नॉर्मल वर्ड्स है अपने फाइनेंशियल वर्ड्स है, पर टेक्निकल वर्ड्स क्या बोलते हैं इस चैप्टर के लिए? कि वो हो गए ड्रॉई, ड्रॉवर ड्रॉई। ड्रॉवर कौन? जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन? जिसके ऊपर बिल बनाया गया है, बराबर है। ड्रॉई इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ऑन द बिल विच ऑन होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रॉई, ऑन होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रॉई। दो पार्टीज हो गए अपने सामने, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? देखो सीन ऐसा हुआ कि ड्रॉवर ने बिल बनाया ड्रॉई के ऊपर, ड्रॉवर ने बोला कि ठीक है इतना टाइम है, ये बिल है, ये प्रूफ है, एविडेंस है, मेरे पास एक कॉपी, तेरे पास कॉपी, दो महीने बाद आना, पेमेंट देना और बिल अपना कैंसिल करके इसको डिस्चार्ज कर देंगे, बराबर है। अब क्या हुआ सर? देखो कि ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर बोलता है कि देखो ऐसा है सीन कि जैसे मैं आपसे पैसा मांगता हूँ, मतलब राजू किससे मांग रहा है? कचरा सेठ से। जैसे मैं आपसे पैसा मांगता हूँ वैसे ही मुझे भी किसी को देना है, मुझे भी किसी को देना है। तो किसको देना है पैसे? तो उसके लिए मैं आपके सामने एक पिक्चर ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये पर्सन जो आपको दिख रहे होंगे, लेट अस अज्यूम कि इनको पेमेंट करना है। अब इनको भी आप जानते होंगे राइट। सो ये कौन है? ये जो भी मिस्टर एक्स वाई जेड, क्या नाम इनका, क्या नाम है? ये कुछ बोला इसने, क्या बोला, क्या नाम है? तिवाली सेठ। अरे तिवाली सेठ नहीं है, तिवारी सेठ है। तुम ऐसे क्यों बोल रहे? तिवारी सेठ, तिवारी सेठ। वो बच्चा क्या बोल? तिवारी सेठ, तिवारी सेठ, ठीक है ना। अब तिवारी सेठ कौन है? बॉस तिवारी सेठ ऐसा इंसान है जिसने राजू को उधार दिया था, मतलब इसको उधार दिया था, बराबर है। अब ड्रॉवर क्या बोलता है? देखो सिंपल, ड्रॉवर बोलता है देख भाई कचरा, कचरा सेठ जो भी है ड्रॉई, एक काम कर, दो महीने पेमेंट देने वाला तू, तो मुझे मत दे डायरेक्टली, काम कर, मुझसे भी एक बंदा मांगता है, जिसका नाम है तिवारी सेठ, तो उसको पेमेंट दे देना, मतलब मैं, मुझे मत दे, तू मेरे पास मत आ। अब तू मेरे पास आना था, मेरे पास बता, उसके पास जा। किसके पास जा? डायरेक्ट जिसके पास जा, तिवारी सेठ के पास, क्योंकि तू मुझे देगा फिर मैं उसको दूंगा, उससे अच्छा काम कर, तू डायरेक्ट पे कर देना, सिंपल सी बात है ना। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तिवारी सेठ को पैसा मिलने वाला है, तो तिवारी सेठ को पैसा मिल रहा है, तो तिवारी सेठ कौन हो गए? तिवारी सेठ हो गए अपने पे ई। तो इन सेल मैं बोल सकता हूँ सर, कंक्लूड करूंगा कि भाई ये तीन चीज, तीन फोटो दिख रहे हैं आपको, तीन फोटो में आपको सिर्फ इतना कंक्लूड करना है कि देर आर थ्री डिफरेंट पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देर आर थ्री पार्टीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने पार्टीज? थ्री पार्टीज। कौन कौन? ड्रॉवर, उसके बाद ड्रॉई, उसके बाद पेई। मुझे बताओ द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर, ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, ड्रॉई, और द पेमेंट विल बी रिसीव्ड बाय पेई। मुझे बताओ ऐसा भी हो सकता है क्या कि ड्रॉवर और ड्रॉई हो, पेई हो ही नहीं? हो सकता है ना कि भाई जैसे राजू है, राजू से कोई पैसा नहीं मांग रहा है, तो उस केस में कौन होगा? ये बंदा और ये बंदा, दो ही लोग हैं, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। उस केस में ड्रॉवर इसको उधार देगा, ये इसको वापस पे कर देगा, सिंपल, दो ही पर्सन है ना, दो ही ट्रांजेक्शन हो गए। तो कहना इससे समटाइम्स ड्रॉवर कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज पे, क्योंकि यही बिल बना रहा है और पेमेंट भी इसी को मिलने वाला है। पे मतलब क्या? जिसको पैसे देते, जिसको पैसे मिलना है, रिसीव होने वाला है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा तीसरा पार्टी होना ही चाहिए, ड्रॉवर कैन ऑल्सो भी ड्रॉवर कैन ऑल्सो भी पे समटाइम्स, राइट। सो तीन पार्टी होंगे, आपको सिर्फ इतना इतना रखना है कि देर आर थ्री डिफरेंट पार्टीज, वन इज ड्रॉवर, वन इज ड्रॉई, एंड सेकंड वन इज, थर्ड वन इज पेई। फिर से बोली वापस, ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे। तो आपको सीनरी समझ गया कि कैसे कैसे लोग, ये आपको प्रैक्टिकल समझ गया कि कौन कौन है, दो तीन पार्टी हो गए, ड्रॉवर ड्रॉई पे। मुझे बताओ उधार किसको चाहिए था? उधार किसको चाहिए था? किसको? हु वाज सीकिंग फॉर क्रेडिट? ड्रॉई। किसके पास उधार पैसा बता उधार देने को रेडी था? वो था ड्रॉवर। तो ड्रॉवर हैज गिवन क्रेडिट टू ड्रॉई, बराबर है। अब ड्रॉई के पास पेमेंट था, ड्रॉई के पास गुड्स आ गए, और पेमेंट किसको रिसीवेबल था अभी? ड्रॉवर को, मतलब ड्रॉवर को पैसे मिलेंगे। तो ड्रॉवर क्या बोलता है? मुझे मत दे, किसी और को दे दे। वो पार्टी कौन हो गया? पे। तो तीन पार्टी कौन से? ड्रॉवर ड्रॉई एंड पे। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, राइट, क्लियर हो गया। ये बहुत सिंपल चीज थी, तीन पार्टीज आपको समझ गया। आगे आते अपन, लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आपको मैं थोड़ा टेक्निकली वर्ड्स बताऊंगा, तो हम प्रैक्टिकल समझ गया, ये पूरा प्रोसेस समझ गया कैसे होता है, क्या होता है। ऐसा ये प्रोसेस पूरा खत्म नहीं हुआ, इसके आगे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ, या पेमेंट टाइम पे हुआ, या फिर बहुत जल्दी हो गया पेमेंट, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सब आगे बात हो गया, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल वर्ड्स डिस्कस करता है इस चैप्टर के बारे में, है क्या जो आपको एग्जाम में काम आ सकता है। सो अब हेडिंग का नाम आ रहा है, व्हाट इज, बोलिए बेटा क्या हुआ, क्या नाम है? व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको सिंपल बता, देखो व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसके लिए मैं आपको कुछ लिख के देता हूँ, यू ऑल्सो प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, नोट कर दो इसको, है ना। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप लिखना इट इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? इट इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्लीज राइट डाउन, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये वर्ड कहाँ से आया? देखो एक अलग एक्ट है जो आप फ्यूचर में, अगर आप समझो सीए कोर्स करते हो, सीएस कोर्स करते हो, है ना, या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, तो आपको वहाँ पे एक लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा, उस लॉ में आपको एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। क्या नाम उसका होगा? मैं लिख देता हूँ, नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम होगा इस पर्टिकुलर ये पूरा एक्ट है, राइट, ये पूरा एक लॉ है। इस एक्ट के अंदर सब सब डिफाइन किया है, ड्रॉवर ये पूरा चैप्टर वहाँ से आ रहा है, बट अपने को इतना डिटेल में जाना है, बस अपने को नॉर्मली पढ़ना है कि ये एक्ट इस ये एक्ट का नाम है और ये एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। सो देखो मैं आपको सिंपल बताऊँ व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये ऐसा नाम क्यों दिया उसको, देखो मैं आपको एक एक करके तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएबल, सो नेगोशिएबल का मतलब होता है विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्या बेटा, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, अपन किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इमेजिन करो कि ड्रॉवर है, ड्रॉई है, राजू है, कचरा सेट है, अब राजू ने इसको गुड्स दिया, ये इसको पेमेंट करेगा, बिल किसके पास है, ओरिजिनल बिल ड्रॉवर के पास है, क्योंकि वो जब पैसा ले जाएगा तो बिल अपन डिस्चार्ज कर देंगे, ये बंदा है। अब मुझे बताओ कल जाके इसको अगर अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी, किसको, राजू को, एकदम अर्जेंट जरूरत पड़ी पैसों की, तो ये बंदा क्या करेगा। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस है ना, वो आगे डिस्कस करेंगे, बट एक नॉर्मल होता है कि भाई अब मैं किसी और को बिल दे दूँ, फिर वहाँ से पैसे ले लूँ, वो किसी और को देगा, वहाँ से पैसे ले लेगा, ये पूरा चेंज चलता रहता है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी बार बिल को ट्रांसफर कर सकते हो, और इट इज़ फ्री ट्रांसफर, कोई चार्जेस नहीं, इट इज़ अ फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो व्हाट इज फ्री ट्रांसफरेबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगोशिएबल, क्या बोलते हैं उसको, नेगोशिएबल। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है एन रिटन डॉक्यूमेंट, क्या बेटा हम बोलेंगे इसको, एन रिटन डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी ओरल डॉक्यूमेंट है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ओरल डॉक्यूमेंट थोड़ी, ओरल वॉइस क्लिप है कि भाई रिकॉर्ड कर दिया, हाँ भाई इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एविडेंस के तौर पे काम आता है ये रिटन डॉक्यूमेंट, मतलब क्या कि बाय हैंड रिटन होता है ये सब, ठीक है ना। तो आप सिंपल से बताओ अगर रिटन डॉक्यूमेंट है फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो एविडेंस के तौर पे यही काम आएगा ना, जी हाँ। सो हम बोलते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। व्हाट इज नेगोशिएबल, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट होता है रिटन डॉक्यूमेंट। तो इन अ नटशेल मुझे बताइए कैन आई से बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल और विच कैन बी फ्री ट्रांसफर्ड, उसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर बुक्स में है तो आपने इतना डेफिनेशन अपने अकाउंट सब्जेक्ट में काम नहीं, पर हाँ अलग सब्जेक्ट जैसे ओसीएसपी अगर आपको है तो उसमें आप अगर पढ़ सकते हो, बट इतना अपने अकाउंट्स के लिए पर्टिकुलर जितना था इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह मत जाइए, पर हाँ डोंट स्किप इट, इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रटाई मारना है, एकदम मेमोराइज करना, ऐसा नहीं, पर एक गो थ्रू इट, राइट, समझना चाहिए आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं, सो अब हम देखेंगे किसके बारे में, हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ गया कि भाई क्या होता है, ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, पे होता है, थ्री पार्टीज है, ड्रॉवर गुड्स देगा, ड्रॉई पेमेंट करेगा, जिसको पेमेंट मिल रहा है वो पे हो सकता है, कभी कभी हो सकता है पे अलग पर्सन हो, कभी हो सकता है ड्रॉवर ही पे हो, ऐसा बहुत कुछ होता है। अब आके लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमने पता कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वो रिटन डॉक्यूमेंट बनता कैसे है, रिटन डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दैट रिटन डॉक्यूमेंट, उस फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज रखना, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, ओल्ड सिलेबस में दिस वॉज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, न्यू सिलेबस पता नहीं पैटर्न क्या रहेगा, पर हाँ न्यू सिलेबस में भी आने के चांसेस पूरे, क्योंकि चैप्टर ही अपने आप में खास है, पूरे चैप्टर मतलब ये हार्ट है रे वॉस पूरे अकाउंट्स का, ये पढ़ लो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा वॉस में से, और ये स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, ठीक है। जितना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उतना प्रैक्टिकल इजी बढ़ेगा, प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे आपको समझ जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ वापस से रिकलेक्ट होगी, यू विल गो बैक इन टाइम, समझ रहा है। चलो सो फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुरू करते हैं। देखो फॉर्मेट कैसा है, एक छोटा सा फॉर्मेट है इस तरह से सिर्फ, ठीक है। अब फॉर्मेट में दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले हेडिंग का नाम दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दिया है क्या, यस ऑर नो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वन सेकेंड, ये रहा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट, देखो लेफ्ट साइड में है स्टैंप, दिख रहा है स्टैंप, तो आपको बॉक्स बनाना है और कैपिटल लिखना है स्टैंप, STMP, इतना ही है स्टैंप, ठीक है ना। उसके बाद राइट साइड में क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रॉवर्स का नाम, मुझे बताओ ड्रॉवर कौन, अपना वही राजू, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल ड्रॉन, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, किस दिन बिल बनाया तुम, जो 1 तारीख को 1 जनवरी को बिल बनाया तो वो डेट आज भी आ जाएगी 1 जनवरी 2021, ठीक है ना, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। उसके बाद आएगा स्टैंप के नीचे से आएगा अमाउंट इन फिगर्स, इसका भी बॉक्स बनेगा और 1000 है तो 1000, समझ रहे हैं आपको, अमाउंट फिगर्स में डालते हैं ना वैसा, तो अमाउंट फिगर्स डाल देंगे। और जो ये जो चीज़ है ना सर, कौन सी वाली बात रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, इतना बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है, सबसे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ क्या लिखा है। यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है डैश आफ्टर डेट, व्हाट इज डैश आफ्टर डेट, देखो सर जी ने इनके नाम पे 2 महीने का बिल बनाया, अब 2 महीने कैन बी 60 डेज ऑल्सो एंड 2 महीने कैन बी 2 मंथ्स ऑल्सो, राइट। सो दो चीज़ होती है 60 डेज एंड 2 मंथ्स, तो यू डू नॉट हैव टू थिंक कि 2 महीने बोला तो 60 डेज लिख सकते हैं या 60 डेज बोला तो 2 महीने लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया 2 मंथ्स बोला तो 2 मंथ्स लेना है, 60 डेज बोला तो 60 डेज लेना होता है। यहाँ पे आएगा डैश आफ्टर डेट, तो मैं बोलूंगा 2 मंथ्स आफ्टर डेट, इमेजिन करो 2 मंथ्स आफ्टर डेट, तो लिखेंगे 2 मंथ्स आफ्टर डेट, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, टू में ऐसा नहीं आएगा TWO, 2 मंथ्स आफ्टर डेट। आगे लिखा है 2 मंथ्स आफ्टर डेट, ये आफ्टर डेट वाला कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ध्यान दीजिएगा, पे मिस्टर और मिसेस। अब सिंपल सी बात है, जस्ट एग्जांपल एक अज्यूम करो कि पे ही जो था तिवारी सेट, वो पे ही अगर पिक्चर में नहीं है तो कौन कौन होगा, दो लोग, वन इज ड्रॉवर एंड वन इज ड्रॉई, ड्रॉवर को, ड्रॉवर ने गुड्स दिए, पेमेंट किसको मिलेगा, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर इज ऑल्सो अ पे। तो यहाँ पे जब ड्रॉवर और ड्रॉई दो ही पार्टी होती है तो ड्रॉवर क्या करेगा, यहाँ लिखेगा पे
टू मी, क्या बोलेगा वो, पे टू मी. सिंपल ना, मैं बिल बना रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, पे टू मी. इतने महीनों के बाद डैश मंथ आफ्टर डेट, पे टू मी, पे टू मी. आगे लिखा है और माय ऑर्डर, क्या लिखेगा आगे, और माय ऑर्डर. व्हाट इज और माय ऑर्डर, इसका मतलब होता है कि भाई या तो मुझे पेमेंट कर दे या तो फिर मैं जिसको बोलूंगा उससे जाके पेमेंट कर देना. इसको बोलते हैं और माय ऑर्डर. देखो यहाँ लिखा पीरियड ऑफ बिल जो टू मंथ्स है, नेम एड्रेस ऑफ द पे. अगर समझो, अब मुझे बताओ जब पे नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू मी और माय ऑर्डर. समझो अगर पे ही है तो उसके उसमें क्या लिखेगा, पे ऑन में, यहाँ पे वो ड्रॉवर क्या लिखेगा, राजू क्या लिखेगा, पे टू मिस्टर जो भी है तिवारी सेठ और हिज ऑर्डर. अब ये समझा आपको, और इस ऑर्डर मतलब क्या, तो यहाँ लिखा है और हिज और हर ऑर्डर. अब सिंपल सी बात देखो, पहला केस मुझे पेमेंट कर या तो मैं जिसको बोलूंगा उसको कर, बराबर है. सेकंड केस तिवारी सेठ को पेमेंट कर, पे को पेमेंट कर, या तो फिर पे जिसको बोलेगा उसको पेमेंट करना, फोर्थ पार्टी को. समझ आ गया, एक तो मुझे कर या तो मैं जिसको बोलूंगा उसको कर. दूसरा चीज क्या, एक तो उसको कर, किसको, पे को जो अपना पे है, या तो फिर पे जिसको बोलेगा फोर्थ पार्टी उसको कर देना जो पे बोलेगा. ऐसा भी चलता है, इसको तो फ्री ट्रांसफर, जो उसको पेमेंट, जिसके पास बिल है उसको पेमेंट कर देंगे अपन. तो ये है पे टू तिवारी सेठ या फिर जो पे टू पे और हिज और हर ऑर्डर. बराबर, मेरा होगा तो क्या होगा, अगर पे नहीं हुआ तो पे टू मी और माय ऑर्डर. समझ आपको डिफरेंस, यस. उसके बाद द सम ऑफ रुपीज, अब रुपीज कितना, 10,000 या 1,000 या 40 लाख, तो उसका फिगर वर्ड्स डाल देंगे, ठीक है ना, टी एन थाउजेंड वगैरह जो भी है. एंड लास्ट में लिखना ओनली फॉर द वैल्यू रिसीट, क्या बोलेंगे, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीट. भाई इतना वैल्यू नॉर्मली वर्ड लिखना होता है, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीट, इसको कंक्लूड कर देंगे. ये दो तीन लाइन का चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. डेट, नाम और जो फिगर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है आपको. या मॉर्निंग वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ड्रॉवर का सिग्नेचर एस डी स्लैश, ये होगा ड्रॉवर का साइन, जो भी ड्रॉवर का उसका साइन नाम आ जाएगा. नीचे लेफ्ट साइड में आ जाएगा ड्रॉई का नाम, क्या नाम आएगा बेटा, ड्रॉई का नाम, ड्रॉई कौन, उनका नाम, कैसा सेट का नाम, उसका एड्रेस, को बिजनेस का एड्रेस जो भी रहेगा यहाँ पे आ जाएगा. और लास्ट में इसमें जो रहेगा वो इसमें आएगा एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्टेड, कि भाई ड्रॉवर जो, ये जो ड्रॉई है, ये राजू है, ये कच्चा सेट है, या फिर जो ड्रॉई है, ड्रॉई बोलेगा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ. तो उस केस में मैं जो हूँ, मैं कौन हो गया, एक्सेप्टर. कौन हो गया बेटा, एक्सेप्टर. सो और एक नया नाम, ड्रॉवर, ड्रॉई, समझ रहता हूँ, पे. अब क्या हो गया, सिंपल सी बात, जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर को बोलते हैं मेकर ऑफ द बिल या ड्रॉवर ऑफ द बिल. ड्रॉवर जो है किसको बिल देगा, ड्रॉई को. तो ड्रॉई क्या करेगा, उसके ऊपर साइन करेगा, क्या करेगा बेटा, साइन, समझ रहा है क्या, साइन करेगा. तो साइन करना मतलब एक्सेप्ट करना, साइन करके मतलब एक्सेप्ट करना, भाई हाँ तूने जो बिल बनाया है मेरे नाम पे, मैं चेक कर रहा हूँ अमाउंट बराबर है, टाइम बराबर है, कब देना है, किसको देना है, सब बराबर है, ठीक है. एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट मतलब क्या, कि बिल अभी एक्सेप्ट हो गया. तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ड्रॉवर ने बिल बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यहीं लिखता हूँ मैं, अगर ड्रॉवर ने बिल बनाया ड्रॉई के ऊपर, तो ड्रॉवर विल सेंड द बिल टू ड्रॉई, ड्रॉई को बिल सेंड करेगा, बिल ड्रॉई का करेगा, पूरा चेक करेगा, एनालाइज करेगा, हाँ भाई इतने गुड्स थे, इतना महीने का टाइम मांगा था, इतना दिया है, इतना अमाउंट है, सब बराबर है, पीरियड बराबर है, डेट ऑफ बिल बराबर है, सब कुछ अगर करेक्ट है तो ड्रॉई विल गिव हिज एक्सेप्टेंस. ड्रॉई क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देगा. अगर ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब सिंपल, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, क्या बोल रहा हूँ, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. क्या बोलते हैं बेटा, अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट. अब बिल बिफोर एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करने के पहले क्या होता है, ड्राफ्ट. तो बिल वैलिड नहीं है, वो ड्राफ्ट हो गया. बिल वैलिड कब होता है, जब ड्रॉई उसके ऊपर एक्सेप्टेंस करता है. तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये जो एक्सेप्टेंस है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा, ड्रॉई. तो जो एक्सेप्टेंस करता है, वो एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस, राइट. तो ये जो एक्सेप्टर है, ये कौन है बेटा, वाइट कर लेता हूं. तो जो ड्रॉई है वो एक तरह से एक्सेप्टर ही बन जाएगा, कि भाई मैंने बिल एक्सेप्ट किया, राइट, एक्सेप्टेंस. तो ये एक चीज हो गया ड्रॉवर, ड्रॉई, एक हो गया मेकर, एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस मतलब क्या, जो ड्रॉई है एक्सेप्टेंस करे, एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट हो गया. अच्छा, तो ये चीज आपको समझ गई, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, एक्सेप्टर वगैरह समझ गया. ओके, अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर्मेट समझ गया आपको क्या होगा, वापस बोले फॉर्मेट, एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, उस पर फिर लेफ्ट साइड स्टैंप आ जाएगा, स्टैंप के बाद ड्रॉ का नाम, फिर अमाउंट आ जाएगा, फिर दो तीन लाइन आएगी, पे टू मी और माय ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज डैश 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 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. बराबर, वापस बोलिए, पे टू मी और माय ऑर्डर डैश मंथ्स आफ्टर डेट या डैश डेज आफ्टर डेट, पे टू मी और माय ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज डैश 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 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये सब चीज है. अगर पे होता तो डैश मंथ्स आफ्टर डेट, पे टू मिस्टर दिस पर्सन और हीज और हर ऑर्डर, ना, द सम ऑफ रुपीज दिस इज ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ये जो तीन चार लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझ जाएगा आपको. राइट साइड में ड्रॉ का सिग्नेचर है, राइट साइड में जो है ड्रॉ का सिग्नेचर, ड्रॉवर का सिग्नेचर या ड्रॉ का नेम, और लेफ्ट साइड में आएगा, एकदम लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर में आएगा ड्रॉई का नाम, ड्रॉई का एड्रेस, और बीच में आ जाएगा एक्सेप्टेंस. दिस एक्सेप्टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है. मुझे बताओ, अगर बिल एक्सेप्ट नहीं किया हो, एक्सेप्टेंस के पहले हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट. एक्सेप्टेंस के बाद वो बिल बन जाता है वैलिड. आगे आते हैं, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब क्या कि जो एक्सेप्टेंस हम लोग बात कर रहे थे उस एक्सेप्टेंस का टाइप देखेंगे। टाइप मतलब क्या कि किस टाइप के एक्सेप्टेंस होते हैं। देखो एक्सेप्टेंस जो होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक्सेप्टेंस जो है वो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। बोले बोले कौन सा होता है? एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, कौन सा बड़ा? जनरल एक्सेप्टेंस। और दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फिर से बोलिए जरा एक बार, वन इज जनरल एक्सेप्टेंस, सेकंड वन इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर इतना थ्योरी करना पड़ेगा? इतना थ्योरी करना पड़ेगा, क्योंकि यही ऐसा चैप्टर है जो बहुत ट्रिकी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये एग्जाम में, ठीक है ना। इसके ऊपर प्रैक्टिकल बेस होता है, ठीक है। अब जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, मुझे बताइए व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस? कुछ आपको बताया क्या व्हाट इज जनरल एक्सेप्टेंस? मैं बोलता हूं, देखो जनरल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब समझ रहा है, ये एक्सेप्टेंस के टाइप है जनरल एंड क्वालिफाइड। जनरल का मतलब सिंपल होता है कि देखो ड्रॉवर है, ड्रॉवर राजू ने क्या करा, मेरे पास बिल बनाया, राजू ने बिल बनाया और ड्रॉई जो होता है ना, ड्रॉई जो एक्सेप्टर है उसने बिना कोई चेंज किए पूरा का पूरा बिल एज इट इज एक्सेप्ट किया। कोई चेंज नहीं, ना डेट में चेंज, ना टाइम में चेंज, ना प्लेस में चेंज, ना कंडीशन में चेंज, ना पार्टीज में चेंज, कोई भी कंडीशन का क्लॉज नहीं रखते हुए अनकंडीशनली बिल को एक्सेप्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। दैट एक्सेप्टेंस जिसमें नथिंग इज चेंज दैट इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते बेटा? व्हेन द बिल एज इट इज एक्सेप्टेड, जैसा बिल भेजा था वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर दिया, नो चेंज। क्या बोलते बेटा? नो चेंज इन बिल ड्रॉन या बिल, इसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। नॉर्मल जनरल वाला, तुमने भेजा मेरे को सब बराबर लगा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, जनरल एक्सेप्टेंस। दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज क्वालिफाइड? देर शुड बी अ चेंज, मतलब चेंज मतलब क्या कि ड्रॉवर ने बिल बनाया 20,000 पे, ड्रॉई बोलता है नहीं 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 अपनी बात तो 18,000 की हुई थी, 20 कैसे आया भाई? तो उसने क्या किया, ड्रॉवर ने, ड्रॉई ने क्या किया, 20 का 18 कर दिया, बराबर है। दूसरा क्या सोचता है? योर डेट। दूसरा होता है अमाउंट। अभी ड्रॉवर ने क्या किया, बिल बनाया 40 लाख का, अपना क्या एग्जाम्पल था 40 लाख का, ड्रॉई बोलता है नहीं नहीं अपनी बात तो 39 लाख की हुई थी, 40 कहाँ से, 39 लगवा, तो वो अमाउंट भी चेंज कर सकता है, कौन? ड्रॉई। तो ड्रॉई विल नॉट एक्सेप्ट द बिल अनटिल अनलेस इट इज करेक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है। तो ड्रोनों में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा उससे बिल बनेगा। अगर बिल में कोई चेंज नहीं होता है इट इज जनरल एक्सेप्टेंस, अगर बिल में कुछ भी चेंज होता है उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अभी जो चेंज है ये चेंज कितने टाइप के होते हैं, चेंज कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके लिए हम आते हैं आगे। देर आर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। पहला होता है टाइम। टाइम मतलब क्या? मैंने 2 महीने दिए थे, ड्रॉई बोलता है नहीं नहीं मुझे 3 महीना चाहिए, बराबर है, टाइम। सेकेंड होता है प्लेस। भाई प्लेस मतलब क्या कि ड्रॉ बोलता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे आके दे देना, बराबर है, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस है यहाँ पे आके आपको देना है, ड्रॉ बोलता है नहीं नहीं मैं वहाँ पे आऊँगा नहीं, कोई भी हो सकता है रीजन उसके एक्स वाई जेड, तो प्लेस का वजह से चेंज हो गया, उसको बोलता है प्लेस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तीसरा हो गया अमाउंट, आपको मैंने अभी बताया बिल बनाया था 40 लाख का, ड्रॉ बोलता है नहीं नहीं 40 नहीं 39 की बात हुई थी, चेंज वो हो गया। उसके बाद पार्टीज, पार्टीज मतलब क्या? ऐसा होता है कि ड्रॉवर ने बोला है कि तिवारी सेट को पैसे देना, पर कसरा सेट बोलते हैं नहीं नहीं मैं तिवारी को जानता नहीं और मैं उससे बात नहीं करता, मेरा उसका जमता नहीं है, सिंपल सी बात है, हम लोग बहुत अलग है, हम लोग बहुत कट्टर दुश्मन है, अपना जमता नहीं, कोई और पार्टी दे, मैं पेमेंट नहीं करूंगा उसको, ये हो गया पार्टीज का। ऐसा भी होता है कि ऐसा भी पॉसिबल है, रेयर केसेस है पर हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में लिखा है कंडीशंस, कुछ और भी कंडीशन अगर ड्रॉई डालता है और ड्रॉई एक्सेप्ट, ड्रॉवर डालता है और ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। फिर से बोलिए पांच डिफरेंट टाइप्स के कौन से क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट टाइम, सेकंड कौन सा प्लेस, थर्ड अमाउंट, फोर्थ पार्टीज एंड फिफ्थ वन इज कंडीशंस, फिफ्थ वन इज कंडीशंस। तो सबको बताइए इन अ नटशेल, इन अ समरी आप बताइए। सबसे पहले तो दो टाइप के एक्सेप्टेंस है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, वन इज जनरल, वन इज क्वालिफाइड। जनरल मतलब क्या? कोई चेंज नहीं, नो चेंज द बिल, जैसा बिल था वैसा कोई एक्सेप्टेंस किया, कोई टेंशन, इसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। बोलिए फिर से वापस, जनरल एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड मतलब क्या? क्वालिफाइड होता है कि भाई जो बिल बनाया था उसमें कुछ चेंज हुआ, चेंज कोड भी ड्यू टू प्लेस, टाइम, अमाउंट, है ना, पार्टीज, कंडीशन, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बोलो कौन से टाइप के क्वालिफाइड होते हैं? एक तो है प्लेस, एक है टाइम, टाइम प्लेस अमाउंट पार्टीज कंडीशन, टाइम प्लेस अमाउंट पार्टीज एंड कंडीशन। समझे आपको टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस? ओके आगे आते हैं, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जब मैंने कहा ना टेक्निकल वर्ड्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, वो अभी आप शुरू हो गए, मतलब ऑलमोस्ट शुरू हो चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जो आपको जानने बहुत जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट लेता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट का नाम है टर्म ऑफ बिल। क्या बेटा? टर्म ऑफ बिल। कैन आई से टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है ड्यूरेशन? कैन आई से ड्यूरेशन मतलब टर्म ऑफ बिल, बराबर ना, कि कितने मंथ्स का पीरियड दिया है, ड्यूरेशन बोलो या पीरियड बोलो, जो पीरियड ड्रॉवर ने बोला है ड्रॉई को कि भाई इतने महीने के बाद या इतने डेज के बाद या इतना अमाउंट इतना टाइम के बाद मुझे पेमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड एज टर्म। टर्म मतलब ड्यूरेशन मतलब पीरियड, बराबर। फिर आपको पता होगा ड्राफ्ट, मैंने अभी पहले बताया ड्राफ्ट मतलब क्या कि द बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। द बिल बिफोर एक्सेप्टेंस, लिख दो प्लीज, द बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। The bill before acceptance is called as draft.
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू डेट. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ड्यू डेट. ये ड्यू डेट वाला कंसेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके ऊपर हम लोग समझ भी लेंगे. समझ कैसा, हाउ डू वी कैलकुलेट ड्यू डेट. रेगुलर कोर्स है, पूरा करना पड़ेगा बॉस. ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले इसमें. तो ध्यान दीजिएगा. आप अभी से देखते हैं कि ऊपर ऊपर से क्या है, क्या डिटेल में देखेंगे तो फिर कैसे काउंट करते हैं, क्या क्या चीज उसमें ध्यान रखनी पड़ती है, वो सब इंपॉर्टेंट है. फिलहाल ड्यू डेट मतलब क्या, ड्यू डेट कहने से ड्यू डेट का मतलब होता है मैच्योरिटी डेट. बराबर ना, ड्यू डेट मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी डेट मतलब कौन कितने महीने के बाद अपना जो बिल है, जो बिल बनाया है वो ड्यू हो जाएगा. ड्यू मतलब पेमेंट मिलने वाला है, दो महीने बाद, तो दो महीने बाद हो गया मैच्योरिटी डेट है ना. तो बोलते हैं ड्यू डेट मतलब क्या, मैच्योरिटी डेट, द डेट ऑन विच द बिल बिकम्स ड्यू. वापस बोलिए, अ बिल, अ डेट ऑन विच द बिल बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी डेट. आई होप दिस इज क्लियर. यस, कौन सा टर्म ऑफ बिल हो गया, मतलब ड्यूरेशन हो गया, पीरियड वगैरह हो गया, सेकंड ड्राफ्ट, बिफोर एक्सेप्टेंस मतलब बिल जो होता है बिफोर एक्सेप्टेंस हम बोलते हैं ड्राफ्ट. तीसरा है ड्यू डेट. ड्यू डेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज ड्यू डेट, द डेट ऑन विच द बिल बिकम्स ड्यू मतलब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरिटी डेट. क्या बोलते इसको, मैच्योरिटी डेट. आगे आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है, तीन कंसेप्ट आपके सामने. इसका नाम है इनलैंड बिल, फॉरेन बिल एंड ट्रेड बिल. पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ट्रेड बिल. देखो हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में वो ट्रेड बिल कर रहे हैं. देखो बिल बच्चों, देखो बेसिकली बिल जो है दो टाइप के होते हैं है ना. यूजुअली बिल जो दो टाइप के होते हैं, वन इज ट्रेड बिल एंड सेकंड वन इज अकोमोडेशन बिल. मैं आगे दिखाऊंगा अकोमोडेशन बिल. देखो ये रहा अकोमोडेशन बिल, वन इज ट्रेड बिल एंड सेकंड वन इज अकोमोडेशन बिल. दोनों का डिफरेंस समझ लो. अपन जो पढ़ रहे हैं, हम जो हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं, दिस इज ट्रेड बिल है ना. अपने सिलेबस में अकोमोडेशन बिल नहीं है, वो आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ना मिलेगा. अगर आप सीए करते हो तो उसका एंट्री लेवल है फाउंडेशन, वहाँ आपको सीखने मिलेगा अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट. यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमको पढ़ना है ट्रेड बिल. सर डिफरेंस क्या है, ट्रेड बिल का मतलब सिंपल होता है कि ड्रॉवर है, ड्रॉयर के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांजेक्शन कंसिडरेशन के साथ हुआ है. वट इज वट द वर्ड इज कॉल्ड कंसिडरेशन, मतलब क्या कि अमाउंट इन्वॉल्व है. ऐसा नहीं कि ले लिया मजा में, चल टाइम पास करते हैं, देखते क्या होता है, बना ले बिल, साइन करता हूँ, मजा आएगा, यो क्या मजा आएगा, एकदम एक्साइटमेंट लेवल. ऐसा नहीं रे भाई, रियल में ट्रांजेक्शन हुआ है. ड्रॉवर ने कुछ गुड सेल किया, गुड्स ने उस ड्रॉवर ने परचेस किया है ऑन क्रेडिट, और फिर उनके बीच में ट्रांजेक्शन में बिल बना था. उस बिल को बोलते ये सब चीज़ है, उस बिल में अमाउंट इन्वॉल्व था. अमाउंट मतलब होता है कंसिडरेशन. ये सब चीज़ जो आती है उसको बोलते हैं ट्रेड बिल. हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड बिल के बारे में. बराबर है, अकोमोडेशन मतलब बिल. मैं सिंपल बताता हूँ अकोमोडेशन बिल क्या होता है. इन्हीं एग्जांपल लेते हैं, जमजो फॉर एग्जांपल दो पार्टी है ना, ए है बी है, ए बी फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है, ए बी का फ्रेंड है, बी ए का फ्रेंड है. ये देखो ए जो है वो बी का फ्रेंड है और बी जो है वो ए का फ्रेंड है, काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है. अभी क्या होता है फ्रेंड्स के बीच में ना, कि बताने के लिए कि हाँ भाई मैं ऐसे मांगता हूँ या मैं ऐसे ऑब्लाइज करने के लिए उनको, तो ए क्या करेगा, बी पे बिल बनाएगा, बी इसको साइन कर देगा. बट देर इज नो अमाउंट इन्वॉल्व, देर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन इट. इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल. ये सिर्फ एक नॉर्मल काम करता है टू ऑब्लाइज करने के लिए. सिंपल है, कोई ट्रांजेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई जेन्युइन बिल नहीं है. इट इज जस्ट एन नॉर्मल कि भाई फ्रेंड्स के बीच में बिल बनाया गया ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन. उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल. पर हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले, वी आर डिस्कसिंग ऑन ट्रेड बिल. आपको दो कंसेप्ट समझ गए बातों में, कड़े दो कंसेप्ट खत्म कर दिए, ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल. आई होप दिस इज क्लियर. आते हैं इनलैंड बिल की तरफ. इनलैंड बिल देखो सिंपल है, अपना राजू जो है ना, राजू ये इंडिया में किधर बेटा, ये एक काम, राजू पैसा वाला इंडिया में कैसे रहेगा है ना, वो दुबई में. कौन, राजू भाई अपने दुबई गए, और ये जो के एस है, व्हाट इज के एस, कचरा सेठ, ये है अपने इंडिया में. बराबर है, मैं दोनों बता रहा हूँ, इंग्लैंड बता रहा हूँ, फॉरेन दोनों साथ में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. अगर ड्रॉवर कॉन्सनट्रेट, अगर ड्रॉवर इज इन अदर कंट्री और ड्रॉई इज इन अदर कंट्री, मतलब दोनों पार्टी जो है ड्रॉवर और ड्रॉई, ये दोनों सेम कंट्री में नहीं है, दे बोथ आर इन डिफरेंट कंट्रीज. ड्रॉवर इज इन सम अदर कंट्री एंड ड्रॉई इज इन सम अदर कंट्री. इस केस को हम बोलेंगे फॉरेन बिल. इसको हम बोलते हैं फॉरेन बिल. मतलब सिंपल है, बिल बनाया कब, बिल ड्रॉन, जो बिल है इट इज ड्रॉन इन दुबई. दुबई में बिल बनाया, हो सकता है ट्रांजेक्शन फोन पे होता है यार, बिल तो वहां बनेगा ना, ड्रॉवर वहां पे, ड्रॉवर बिल ड्रॉ कहां पे, दुबई में. तो बिल कहां बनाया, दुबई में, तो बिल इज ड्रॉन इन दुबई. एंड पेएबल कहाँ है, पेमेंट कहाँ करना है, फिर इन सम अदर कंट्री. पेमेंट तो वहाँ ड्रॉई कहाँ, इंडिया में, तो पेमेंट वही करेगा ना, तो बाद में पेमेंट करने वाला है, तो पेमेंट बाद में होगा. तो उस केस में बिल जो बनाया और ड्रॉवर का सम अदर कंट्री और ड्रॉई जो है वो किसी और कंट्री में. बराबर है, तो दो डिफरेंट पार्टीज दो अलग अलग कंट्रीज में, इसको हम बोलते हैं फॉरेन बिल. क्या बोलते हैं इसको, हम फॉरेन बिल. सर ये फॉरेन बिल ये है तो इनलैंड बिल क्या रहेगा. सो इनलैंड बिल बहुत सिंपल है, देखो दोनों पार्टी सेम कंट्री में, जैसे ये भी इंडिया में और ये भी इंडिया में, कौन ये भी इंडिया में, ड्रॉवर और ड्रॉई भी इंडिया में, इसको हम बोलते हैं इनलैंड बिल. फिर से बोलिएगा वापस एक बार, फॉरेन बिल मतलब क्या, ड्रॉवर सम अदर कंट्री, ड्रॉई सम अदर कंट्री, क्या बोलते हैं इसको हम, फॉरेन बिल. खत्म है, हो गया. ओके नेक्स्ट पॉइंट, इनलैंड बिल. व्हाट इज इनलैंड बिल, ड्रॉवर इन द सेम कंट्री, ड्रॉई इज इन द सेम कंट्री, मतलब बिल ड्रॉन इन सेम कंट्री एंड मेड पेपल इन ऑल्सो सेम कंट्री, इसको बोलते हैं इनलैंड. इंडिया में बिल बनाया, इंडिया में पेमेंट होगा, क्या बोलते हैं इसको हम, ड्रॉवर. और अगर समझो सॉरी इनलैंड बिल, इंडिया में बनाया, इंडिया में पेमेंट होने वाला है, हम इसको बोलते हैं
इनलैंड बिल. सिमिलरली अगर बिल किसी और कंट्री से बनाया गया और पेमेंट किसी और कंट्री में हो रहा है उसको हम बोलते हैं फॉरेन बिल. व्हाट इज ट्रेड बिल? अगर नॉर्मल की कोई बिल है, कोई ट्रांजेक्शन उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, अमाउंट इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड बिल. कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स को ऑब्लाइज करने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल. बराबर है? अब तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना ये जो चीज़ है. आपको थोड़ा देखो कैसा है, काफ़ी बोलते ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफिकल्ट है, बट नॉर्मल है, समझना जरूरी है आपको कि ये है क्या. ठीक है ना? एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स. देखो वन इज होल्डर, होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. मैं बोलता हूँ होल्डर मतलब क्या. देखो होल्डर का मतलब होता है कि देखो बिल आपके पास है, इमेजिन करो राजू है, राजू के पास बिल है, राजू पेमेंट किसको मिलेगा? राजू को मिलेगा. ओनर कौन है? वही ओनर है. बराबर? तो बिल उसके पास, ओनर वो है, पेमेंट भी उसको मिलने वाला है. पोजीशन किसके पास? बिल का पोजीशन किसके पास है? ड्रॉवर के पास. पेमेंट किसको मिलेगा? ड्रॉवर को मिलेगा. बराबर है? उसका ओनर कौन है? ड्रॉवर है. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड. कौन से? ओनर है, पोजेशन है और पेमेंट किसको मिलेगा? उसको पेमेंट रूप रिसीव्ड बाय ड्रॉवर. ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो यू आर कॉल्ड टू बी एस अ होल्डर. कौन है आप बेटा? होल्डर. ये नया वर्ड आया होल्डर. होल्डर मतलब क्या? ओनर मैं हूँ, पेमेंट मुझे मिलने वाला है, अब मेरे पास बिल पड़ा है, पोजेशन मेरे पास है, पेमेंट मुझे मिलेगा और मैं ही ओनर हूँ. ये कौन है? होल्डर. होल्डर बराबर है? और नेक्स्ट कंसेप्ट जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी एक लॉ का टर्म है, टेक्निकल टर्म है. होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या होता है? देखो एक तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए होल्डर बनना बहुत जरूरी है. पहले होल्डर बन जाओ और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होता है कि जो पेमेंट मिलेगा इट शुड बी बिफोर मैच्योरिटी, बिफोर मैच्योरिटी है ना, और इन गुड फेथ. इन गुड फेथ मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि बिल फ्रॉड होकर आया बिल और अकोमोडेशन बिल बन के फ्रॉड होकर बिल मेरे पास आया, तो उस केस में नहीं होगा. इट शुड बी बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ. इन गुड फेथ तो उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. फर्स्ट बोलिए होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. होल्डर कौन? ओनर होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, पेमेंट मुझे मिलेगा. होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनर होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, बिल मुझे मिलेगा, पर गुड बिफोर इन गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी. इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए. अब आते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. ठीक है ना? टाइप्स ऑफ ड्यू डेट. क्या बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? टाइप्स ऑफ ड्यू डेट. सिर्फ कॉन्सेप्ट करते रहो, अभी सब थ्योरी खत्म होने वाला, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. अब हम आएंगे प्रैक्टिकल तरफ. लेकिन देखो अभी आगे की कुछ स्लाइड्स है वो भी इंपॉर्टेंट है सर, वो आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएगा सर इस पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स को देखिए समझिएगा. टाइप्स ऑफ ड्यू डेट. तो ड्यू डेट जो होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं. ड्यू डेट जो होता है मतलब बिफोर मैच्योरिटी जो ना, कि जिस दिन का पेमेंट करना है उसको बोलते हैं ड्यू डेट. ड्यू डेट जो होता है दो टाइप के, वन इज नॉमिनल ड्यू डेट एंड वन इज व्हाट इज लीगल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट क्या? देखो ड्रॉवर ने ड्रॉई को कुछ पीरियड दिया रहेगा, टर्म दिया रहेगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा. एग्जाम्पल था 2 महीने का. सो दिस 2 मंथ्स मतलब समझो 60 डेज. इमेजिन करो 2 मंथ्स नहीं दिया, 60 डेज दिया, या फिर बोल सकते 2 मंथ्स आपके हिसाब से. 2 मंथ्स, 2 मंथ्स वो 2 मंथ्स को भी हो सकता है. 2 महीने का टाइम दिया था ड्रॉवर ने ड्रॉई को, 2 महीने का टाइम दिया था. अब 2 महीने का जो टाइम दिया है, ये 2 महीना इज नॉमिनल लीगल नॉर्मल है, मतलब कि भाई मैंने उसको टाइम दिया 2 महीने का. अब लॉ क्या बोलता है कि तुम्हारा जो भी टाइम होगा उसके बाद उसके अंदर हम लोग एक दिन और उसके अलावा मतलब जो भी आपका पीरियड है उसके अलावा हम आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा देंगे. कितने रेस? 3 मोर डेज. उसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस. क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेस डेज. 3 मोर एक्स्ट्रा डेज टू बी गिवन टू द ड्रॉई है ना, ये बाय लॉ होता है, ड्रॉवर नहीं बोलता है. ड्रॉवर का जो है वो है उसके अलावा 3 दिन और देना पड़ता है बाय लॉ. उसको बोलता है 3 ग्रेस डेज. कितने दिन बेटा? 3 ग्रेस डेज. बराबर है? 3 डेज ऑफ ग्रेस. अब ये जो भी पीरियड है नॉमिनल ड्यू डेट है, उस नॉमिनल ड्यू डेट के अंदर अगर मैं 3 दिन ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो डेट आएगा उसको हम बोलते हैं लीगल ड्यू डेट. फिर से बोलिए लीगल ड्यू डेट. तो अगर मैं बात करूँ 2 मंथ्स ये है प्लस 3 डेज ये हो गया, तो लीगल ड्यू क्या रहेगा? 2 मंथ्स एंड 3 डेज. इसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट. फिर से बोलो वापस एक बार. ओह कम ऑन एनर्जी, कम ऑन मैन. वापस एक बार फिर से बोलिए. नॉमिनल ड्यू डेट 3 डेज प्लस इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट. नॉमिनल क्या? जो ड्यूरेशन दिया हुआ बिल के अंदर, प्लस 3 दिन कौन देगा? लॉ देगा. क्या बोलते इसको? 3 ग्रेस डेज. तो टोटल क्या हो जाएगा? लीगल ड्यू डेट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ओके वेरी गुड, माहौल बन रहा है यहाँ पे सर. अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. ये आपके सामने 3 और डिफरेंट कंसेप्ट, ऑनरिंग, डिसऑनरिंग एंड रिटायरमेंट. काफी इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है. देखो मैं बोलता हूँ, देखो ऑनरिंग का मतलब होता है कि पेमेंट टाइम पे मिलना. व्हाट इज टाइम पे? जिस तारीख को बिल ड्यू हो रहा था, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट के दिन ही पेमेंट मिलना इज कॉल्ड एज ऑनरिंग ऑफ द बिल. ऑनरिंग है ना, पेमेंट लिख दो प्लीज, पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑनरिंग. अब ये डिसऑनरिंग मतलब क्या? जस्ट ऑपोजिट है, रिवर्स है, वाइस वर्सा. डिसऑनरिंग मतलब होता है बिल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड टिल ड्यू डेट. टाइम के पेमेंट करना था राजू जी को, कौन?
कचरा सेट पेमेंट टाइम पे नहीं किया गया, इस केस में हम बोलेंगे डिसऑनर हुआ। डिसऑनर सिंपल देखो मैं बोलता हूँ, जैसे चेक होता है ना, चेक भी क्या होता है कभी कभी क्लियर नहीं होता है, उसको हम बोलते बाउंस, बराबर है, चेक बाउंस हो गया, इट कुड बी डिफरेंट रीजंस, पेमेंट नहीं था या फिर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है ना, या स्टॉप पेमेंट कर दिया, कुछ भी हो, तो बाउंस मतलब वो क्या होता है, डिसऑनर हुआ तरफ से। चेक को भी हम डिसऑनर वर्ड यूज करेंगे, क्या बोलेंगे हम, डिसऑनर। वैसे बिल को भी हम बोलेंगे डिसऑनर। डिसऑनर क्या होता है, देखो नॉर्मली इधर क्या होता है कि जो बिल है, जो ड्रॉइंग ड्रॉइंग जो पेमेंट करेगा, इसके जो ड्रॉई जो है, अभी सिंपल सी बात है, पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई, तो डिसऑनर कौन करेगा, ड्रॉई, पेमेंट उसने नहीं किया तो बिल ऑटोमेटिक डिसऑनर हुआ ना। तो यहाँ पे जो डिसऑनर का केस होगा वो सिर्फ एक ही चीज़ होगा, वो है नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑन टाइम, नॉन पेमेंट ऑफ टाइम, उस केस में वो क्या होगा, जो पेमेंट है वो टाइम पे नहीं मिला, तो हम बोलेंगे डिसऑनर, क्या बोलेंगे, डिसऑनर, ठीक है। अब डिसऑनर जो हुआ है बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पूरा आएगा एग्जाम में कि डिसऑनर, आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही आएगा पक्का कि इसमें ऑनर भी है डिसऑनर भी है, बहुत ध्यान दीजिएगा, डिसऑनर, बराबर है। और तीसरा होता है रिटायरमेंट। अच्छा रिटायरमेंट पढ़ने से पहले वापस रिवाइज करते हैं, दो चीज ऑनरिंग डिसऑनरिंग, मुझे बताओ टाइम पे पेमेंट मिला, टाइम पे पेमेंट रिसीव हो गया, या ऑन द ड्यू डेट पेमेंट मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, ऑनरिंग। एंड द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज डिसऑनरिंग, करेक्ट है। रिटायरमेंट देखो क्या होता है, रिटायरमेंट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे कस्टम आपको आजकल मिलेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ समझ लो कि मिल सकते हैं अच्छे खासे लोग, अगर आपका नसीब अच्छा तो आपको मिलेंगे ऐसे कस्टमर। सर ऐसा क्या है ये कॉन्सेप्ट, रिटायरमेंट का मतलब होता है सिंपल मतलब है कि सर जो पेमेंट था वो पेमेंट आपको मिलना था पर्टिकुलर टाइम पे, ड्यू डेट पे, लेकिन कस्टमर इतना अच्छा निकला कि आपको पेमेंट उसने टाइम के पहले ला के दे दिया, एक महीना पहले पेमेंट ला के दिया, एक महीने पहले, 15 डेज पहले, वट को इट कुड बी एनीथिंग, एक महीना हो, 15 डेज हो, कुछ भी हो सकता है। तो पेमेंट उसने एक महीना पहले या दो महीने पहले, एग्जांपल लेते हैं एक महीना, वन मंथ पहले पेमेंट ला के दे दिया, उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, बिल रिटायर हो गया, क्या हो गया, रिटायर। आप मुझे बताओ पेमेंट उसको अगर पेमेंट आपको टाइम से पहले ला के दे दिया तो आप खुश हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, अरे यार शिट यार एक महीने पेमेंट मिल गया, अब इस पैसे का मैं क्या करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, दो महीने पेमेंट बाद में दे देना यार, इतना जल्दी क्यों दे दिया पेमेंट, ऐसा नहीं होता, पेमेंट मिल गया बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत देर पेमेंट दिया, आप मुझे बताओ ड्रॉवर का जो हक बनता है ना कुछ देने को, खुश है ना, तो ड्रॉवर क्या करेगा, उसको थोड़ा एक काम करता है, कितना पेमेंट, इतना पेमेंट है ना, एक काम कर, कुछ परसेंट कम माइनस कर दे, डिस्काउंट ले ले, डिस्काउंट नहीं बोलेंगे हम उसको, वर्ड बोलेंगे रिबेट, क्या बोलेंगे हम, रिबेट। तो ड्रॉवर विल अलाउ रिबेट टू ड्रॉई, कब, जब पेमेंट टाइम के पहले हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। तीन कॉन्सेप्ट है, ऑनर डिसऑनर एंड रिटायरमेंट, फिर से बोलिए, ऑनर डिसऑनर एंड रिटायरमेंट। ऑनर मतलब क्या, पेमेंट टाइम पे होना, डिसऑनर क्या, पेमेंट टाइम पे नहीं होना, थर्ड वाला क्या, रिटायरमेंट, पेमेंट टाइम के पहले हो जाना, टाइम के पहले, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। मुझे बताओ तीनों भी केस में रिबेट कहाँ एप्लीकेबल है, ऑनर में नहीं, डिसऑनर में नहीं, तो कहाँ पे, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल में। रिटायर मतलब क्या, पेमेंट टाइम के पहले होना, तो ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉई को रिबेट दे देगा। अंडरस्टूड, समझा सबको, तीन चीज कौन से होते हैं, ऑनर डिसऑनर एंड रिटायरमेंट। फिर से बोलिए, ऑनर डिसऑनर एंड रिटायरमेंट, पेमेंट टाइम के पहले होना रिटायरमेंट, रिबेट देना रिटायरमेंट, टाइम पे नहीं होना, नहीं होना डिसऑनर, टाइम के ऑन द स्पॉट होना, मतलब टाइम पे ही होना इज ऑनरिंग। समझा क्या, ओके आई थिंक दिस इज क्लियर, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसके सामने आपका आ रहा है एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है नोटरी पब्लिक ऑफिसर। नोटरी पब्लिक ऑफिसर, इसको हम नोटरी पब्लिक बोलते हैं नॉर्मली, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। क्या बेटा, ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, इनका काम ही होता है कि रीजन फाइंड करना कि डिसऑनर हुआ क्यों है, किस वजह से हुआ है, और उसको क्या बोलते हैं, इंटीमेट करना ड्रॉई को कि भाई पेमेंट अगर, समझो सिंपल सी बात है ना, कि देखो मैं आपको बोलता हूँ, दिस इज ये अपने राजू भाई, ये अपने कचरा सेठ है ना, और इन कचरा सेट हैज टू पे राजू, बराबर पे ही कार बना लेता तिवारी सेट, तिवारी सेट का तो बीच में काम नहीं, क्योंकि इमेजिन करो कि जैसे चलो एक काम करते, इनको भी लेते हैं, अभी कचरा सेट हैज टू पे टू राजू, पर राजू ने क्या बोला, मुझे मत पे कर, किसको पे कर, डायरेक्टली टू तिवारी सेट, बराबर है। तो तिवारी सेट को जो पे ही है अपना, उसको पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए था, पर मिला क्या, नहीं मिला। उस केस में जो पे ही है या फिर जो ड्रॉवर है जिसको पेमेंट मिलना था, इट कुड बी ड्रॉवर, इट कुड पे, पे तो वही होता है जिसको पेमेंट मिलना है, तो ड्रॉवर भी कभी पे हो सकता है, पे कुड बी सम अदर पार्टी ऑल्सो। तो जो पे ही है, पे ही क्या करेगा, टाइम पे पेमेंट नहीं मिला तो एक बार ड्रॉवर को इन्फॉर्म कर देगा, भाई ये चीज़ है, अगर ड्रॉवर ही पे ही है तो इन्फॉर्म की बात मैं ही हूँ, पर अगर पे कोई और है तो पे ही क्या करेगा, पहले ड्रॉवर को इन्फॉर्म करेगा, बराबर है। अब क्या होता है कि जो ड्रॉवर है, जो पे ही है, वो इन्फॉर्म करने के बाद क्या करेगा, एक ऑफिसर को बुलाएगा, किसको बुलाएगा, एक ऑफिसर को, वो ऑफिसर कौन, एक ऑफिसर है, इसका नाम है नोटरी पब्लिक। मैं बताऊँ ऑफिसर कौन है, ये अपना ऑफिसर कौन है बेटा, नोटरी पब्लिक ऑफिसर, ये अपने ऑफिसर है। ये ऑफिसर क्या करेंगे, ये ऑफिसर आएंगे और देखेंगे, अच्छा ओके ये ड्रॉवर है, ओके ये ड्रॉई है, अच्छा इतने का बिल था, अमाउंट इतना था, ड्यू डेट इतना था, ओके ड्यू डेट ये है क्या, ओके 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 ये पे ही है क्या, चलो अच्छी बात है, बिल टाइम पे पेमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ, अरे भाई तो को बुलाया क्यों, पेमेंट टाइम पर नहीं हुआ इसलिए बुलाया ना, सिंपल सी बात है। हाँ अभी तो जा, कौन बोलेगा, पे ही बोलेगा, हे नोटरी पब्लिक, अब वहाँ जाइए, किसके पास,
ड्रॉ के पास, यू गो टू दैट पर्सन, वहां पता करो, उसको इंटीमेट करो कि आपने पेमेंट देना था पर आपने पेमेंट दिया नहीं है, आपने पेमेंट दिया नहीं है, उसको इंटीमेट करो कि यू हैव टू पे दी पेमेंट, और पता करो भाई जो बिल है वो पेमेंट नहीं हुआ, मतलब डिसऑनर हुआ है, वो डिसऑनर के रीजन क्या होता है। तो नोटरी ऑफिसर जो है ना, ये नोटरी पब्लिक ये जाएगा किसके पास, ड्रॉ के पास, बोलेगा भाई देखो क्या हुआ सीन, क्या प्रॉब्लम क्या है ये, तो बोलेगा हाँ मेरा ये प्रॉब्लम था, इससे पेमेंट नहीं हो पाया, घर में ये प्रॉब्लम था, जो भी चीज़ है, इसलिए पेमेंट हैज नॉट मेड ऑन टाइम, ठीक है। तो वापस आके क्या करेगा, बोलेगा देखो सर मैं पता करके आया, उसको इंटीमेट कर दिया हूँ मैंने, वो आपको पेमेंट कर देगा, रीजन ये है। तो अभी पे जो है बोलेगा अच्छा ठीक है ओके, तो ये बोलेगा ओके क्या पेमेंट दो, ये बोले कहाँ से पेमेंट, अरे भाई मैंने आपके लिए आया, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं आपके लिए आया, मैं आपके लिए पे, मैंने आपने काम किया है ना, मेरा जो काम है मैं आपके ड्रॉइंग को मिलने गया है सब, मैं इसके लिए चार्ज करता हूँ, मैं इसके लिए चार्ज करता हूँ, उस चार्ज को हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते बेटा, नोटिंग चार्जेस। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगेगा, नोटिंग चार्जेस कौन लेगा, पे अपना नोटरी पब्लिक लेगा, किससे लेगा, सर सिंपल सी बात है ना, बुलाया किसने, पे ही ने, तो देगा कौन, पे ही, सिंपल सी बात है ना, जिसने बुलाया वही पेमेंट करेगा। अब इस केस में पे विल पे नोटिंग चार्जेस टू नोटरी पब्लिक। अब आपको लगता नहीं, एक तो पहले पैसे आए नहीं जो आने थे बिल के, ऊपर से नोटिंग का और खर्चा, बराबर ना, तो उस केस में क्या हो गया भाई, अपने खर्चा है, तो सिमिलर लॉ क्या बोलता है। अभी पहले आप मुझे बताओ, कि ये जो नोटिंग चार्जेस है, ये कौन बेयर करेगा, पे ही खुद अपने जेब से भरेगा, ड्रॉ जो ड्रॉर है पे, एक ही अपन समझते हैं अभी, वही पे करेंगे कि फिर ड्रॉ ही पे करेगा, जरा सोचिए इसके बारे में, ड्रॉर जो है पे वही पे करेगा या फिर ड्रॉ ही पे करेगा, बोलिए बोलिए क्या कहा, ड्रॉवर ड्रॉई, अब ड्रॉई बोलेगा ना कि यार मुझे थोड़ी पूछा था, क्या नोटरी पर बुलाने के पहले, मुझे पूछता था मैं बोल देता था, मुझे बिना इन्फॉर्म किया तुम बुलाते हो, फिर ये करते हो, फिर मुझसे पेमेंट लेते हो, हाँ नहीं ठीक, यस टेल मी आंसर प्लीज, टेल मी आंसर्स, क्या बोला आपने, ओके ड्रॉ देगा, पे ही देगा, वेरी गुड ऑसम। तो लॉ बोलता है कि सर पहले इनिशियली तो आप पे ही जो है वो बेयर करेगा खर्चा, और बाद में जो है वो ड्रॉई से रिम्बर्स कर लेगा लेटर ऑन, राइट। तो पहले खर्चा पे ही पे करेगा, या जो ड्रॉवर पे करेगा नोटिंग को, इसको फ्री कर देगा, और जो एक्स्ट्रा जो नोटिंग चार्जेस जो है बिल अमाउंट के साथ साथ हम लोग जो ड्रॉई से पैसे लेंगे, ड्रॉई से हम लोग बाद में रिकवर कर लेंगे, रिम्बर्स कर लेंगे, राइट, रिकवर कर लेंगे, इसको हम, ये लॉ में लिखा हुआ है, राइट। तो अल्टीमेटली कौन बेयर कर रहा है इसको, इस लॉस को कौन बेयर करता है, ड्रॉई बेयर करता है, क्योंकि उसकी वजह से तो बुलाना पड़ा ना इसको, उसने डिसऑनर नहीं किया होता तो नोटरी पब्लिक ऑफिस पिक्चर में काम ही नहीं था, वो उसने डिसऑनर किया तभी तो पेमेंट उसको बुलाना पड़ा, ये है पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया नोटरी पब्लिक ऑफिसर, इसको जो हम चार्जेस पे करते हैं, जो फीस पे करते हैं, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। इनिशियली पहले ड्रॉवर या ड्रॉ पेज पे करेगा, बाद में ये कैसे रिकवर हो जाएगा, ड्रॉई के साथ ड्रॉई से रिकवर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिइंबर्समेंट या रिकवर्ड, राइट। उसके बाद अब आता है, देखो नाउ लेट्स फोकस ऑन अकाउंटमेंट, पूरा का पूरा बेसिक पार्ट जो था है ना पूरा फिनिश हो चुका है, फिनिश मतलब इन द सेंस कि सारे टेक्निकल टर्म्स हमने खत्म कर दिए, अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ड्रॉवर है, पहले हम इसके पॉइंट देखेंगे कि ड्रॉवर के पॉइंट से क्या क्या हो सकता है, कि क्या होगा, क्या बिल देगा, किसको देगा, कैसे करेंगे, एवरीथिंग, बाद में ड्रॉई होगा, बाद में पे होगा, तीनों के बुक्स में अपने को करना है, ड्रॉवर के बुक्स में भी करना है, ड्रॉई के बुक्स में करना है, और पे में करना क्या है, जर्नल एंट्री, सिंपल रखना, वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले आप ध्यान देना कि कुछ अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख के, कुछ इंपॉर्टेंट रूल बना के दे रहा हूँ, वो प्लीज़ आप लिख लो, उसी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए हेडिंग का नाम रियल अकाउंट। सर ये तो वो 3 golden rules 11th standard, ये वही है, पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा अलग, ध्यान दीजिएगा रियल अकाउंट, फिर आप लिखना नॉमिनल अकाउंट, और फिर लिखना पर्सनल अकाउंट, रियल नॉमिनल एंड पर्सनल, बराबर है, ओके। सो रियल नॉमिनल एंड पर्सनल, बराबर, ये तीन रूल्स है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो अभी क्या करना है आपको, देखो मैं आपको कुछ टेक्निकल कुछ वर्ड लिख के दे रहा हूँ, वो उसके लिए कौन सा रूल यूज होगा वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रियल, रियल के अंदर से दो चीज आएगी, एक है बिल्स रिसीवेबल, क्या ना बेटा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। जो ड्रॉवर है बेटा उसके लिए पैसा आने वाला है तो वो यूज करेगा बिल्स रिसीवेबल, ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हो रही है, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, माहौल बनना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। रियल अकाउंट में क्या होगा सर, बिल्स रिसीवेबल, जब बिल्स रिसीवेबल की बात होगी तो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और ड्रॉवर हमेशा एक ही वर्ड यूज करेगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और सिमिलरली जो ड्रॉई है वो क्या यूज करेगा, उसको पे करना है, उसके लिए ये लाइबिलिटी है तो बोलेगा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। अच्छा नॉमिनल अकाउंट में कौन से वर्ड, कौन से इसमें हम लोग यूज करेंगे, एक तो ये होता है जैसे नोटिंग चार्जेस जो है ना वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या देता, रिबेट, डिस्काउंट भी आ जाएगा है ना, तो डिस्काउंट वगैरह, और समझो कभी इस केस में कमीशन देना पड़ा, ये भी आगे कंसेप्ट आएगा कमीशन वाला एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो आएंगी नॉमिनल में आएगी। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। और जब पर्सनल में आएगा वो क्या आएगा, ड्रॉवर का नाम,
ड्रॉई का नाम एंड पे का नाम, ये तीन नाम आ गए तो क्या हो जाएगा बताइए, ड्रॉवर ड्रॉई पे, तो ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पे पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे भी और आएगा, एक और आएगा बैंक, बैंक वाला भी पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करेगा, ठीक है ना, बैंक अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये तीन चीज प्लीज राइट डाउन, राइट डाउन फास्ट, नोट कर लो इसको अच्छे से, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, नॉमिनल नोटिंग चार्जेस, डिस्काउंट, कमीशन एक्सेट्रा, और पर्सनल में आएगा ड्रॉवर ड्रॉई पे, खत्म है। अब हम बात करते हैं सर ड्रॉस पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉस पॉइंट ऑफ व्यू। आज सिर्फ एक डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में लोग क्या करेंगे, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ इंट्रेस्ट पास करना शुरू कर देंगे, राइट। सो आइए देखो, अब जो ड्रॉवर है, ड्रॉवर के ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के अकॉर्डिंग कौन से सीनारीज होते हैं कि ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है बिल के साथ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये अपने वापस से वही आ गए राजू भाई, ड्रॉवर जो है ये अपने हैं ड्रॉवर, ठीक है। अब ड्रॉवर के पास बिल है, बिल उनको दिया था, एक्सेप्ट करके बिल मिला है। अब ड्रॉवर के पास जो बिल है वो बिल कैसे, सर मेरे पास बिल है, अब मेरे पास चार ऑप्शन है, आई हैव फोर डिफरेंट ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, मेरे पास चार अलग ऑप्शन है मैं बिल के साथ क्या कर सकता हूँ। पहले बात, फर्स्ट ऑप्शन देखो, मेरे पास देखो बिल, उसके बिल ड्रॉवर इन ड्रॉइन एक्सेप्ट करके मुझे दिया है। अब मेरे पास चार ऑप्शन है, मैं बिल के साथ करूँगा क्या, या तो बिल मेरे पास रखूँ या फिर और भी तीन ऑप्शन मैं दिखाता हूँ एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन क्या मेरे पास, कि जब तक बिल का ड्यू डेट नहीं आता तब तक बिल मेरे पास ही हो, जब तक बिल का ड्यू डेट नहीं आता तब तक बिल मेरे पास ही रहेगा, इसको बोलते हैं रिटेनिंग द बिल। क्या बोलते इसको बेटा, रिटेनिंग द बिल, क्या बोलता हूँ, रिटेनिंग द बिल, रिटेन करना, अपने पास रखना, ठीक है ना। इसको कोई अलग एंट्री पास नहीं करना पड़ता है, बिल मेरे पास है, जब ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट आएगा तब बात करेंगे, फिलहाल इसको बोलते हैं रिटेनिंग द बिल, बिल मेरे पास ही रखा हुआ है। दूसरा केस आता अपने सामने, आप जानते होंगे इधर, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या, देखो इनका मतलब होता है कि भाई बिल मेरे पास है, अब मुझे अर्जेंट पैसों की अगर जरूरत है तो मैं क्या करूँगा, बिल किसी बैंक में जाऊंगा, जैसे ये बैंक है, कौन सी बैंक है भाई, ये बैंक है, इस बैंक में जाके मैं बिल को डिस्काउंट कर दूंगा। तो यार इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग द बिल, आपने वर्ड सुना होगा ये पहले भी, डिस्काउंटिंग दी बिल, पूरा अलग कंसेप्ट है ना, डिस्काउंटिंग द बिल अपन डिस्कस करेंगे, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, डिस्काउंटिंग दी बिल। आगे ये बिल डिस्काउंट कर दिया, तीसरा केस जो होगा मेरे सामने वो होगा इंडोर्समेंट, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। व्हाट इज इंडोर्समेंट, मैं आपको पहले लिख देता हूँ, नाम क्या है, इंडोर्समेंट। अब ये कौन है, ये है मिस्टर, क्या नाम बोला है, मिस्टर श्याम, ठीक, राजू का श्याम बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है ना, और बहुत पैसे वाला भी है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर राजू के पास पैसा बिल पड़ा है, राजू को अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी है, तो उसके पास पहला क्या है कि भाई देखो कुछ टेंशन नहीं, तेरे पास बिल रख, अगर तेरे पास तेको अर्जेंट नहीं है तो तेरे पास बिल दे, उसको बोलते रिटेनिंग, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है बैंक में जा, वहाँ जाके बिल डिस्काउंट कर ले। डिस्काउंट मतलब क्या, बिल देना उनको, भाई ये लो बिल है, तो बैंक क्या बोले कि अच्छा ये बिल है, इतना अमाउंट है, हमारा इतना परसेंट का रेट है, इतना कट के वापस देंगे, समझो 40 लाख का बिल है, 1 लाख कट किया, 39 लाख वापस उसको मिला, किसको, किसको, ड्रॉवर को, ये उसको अर्जेंट में पैसे मिल गए, बट डिस्काउंट कटना, कट करना, उस डिस्काउंट को लॉस बेयर करना पड़ा। तीसरा होता है इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का सिंपल मतलब क्या है, कि जो ओनर ड्रॉवर है वो अपने फ्रेंड को बोलता है, किसी पार्टी को बोलता है, भाई देखो मेरे पास बिल पड़ा है 40 लाख का बिल है, 3 महीने बाद पेमेंट होने वाला है, मुझे आज अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी है, बैंक में जाऊंगा तो डिस्काउंट करवा देगी, तो एक काम करता हूँ प्लीज तू ले ले, और तू 2-3 महीना वेट कर, और फिर बाद में उसका पैसा तू रिकवर करना, जो ड्रॉई देगा मुझे मैं उसको बोला तुझे देने के लिए, वो तुझे दे देगा, है ना, यू बी द रिसीवर ऑफ पेमेंट। तो उसके से बोलता ठीक है मैं दे दूंगा, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। इसमें दो पार्टी वापस आ गई, एक इंडोर्सर एक इंडोर्सी। ये जो ड्रॉवर है राजू, यह बोल जाएगा इंडोर्सर, क्या हो जाएगा बेटा, ये इंडोर्सर, इंडोर्सर मतलब क्या, जो बिल इंडोर्स कर रहा है, इंडोर्स करना मतलब देना, किसको देना, थर्ड पार्टी को देना, ठीक है ना। ड्रॉवर पे ये और ये अलग इंडोर्सर, और ये बन जाएगा इंडोर्सी, क्या बन जाएगा बेटा, ये इंडोर्सी, ठीक है ना। तो ये अपना पेमेंट दे देगा, बिल ले देगा उसको, और जब ड्रॉई का ड्यू डेट आएगा ड्रॉई किसको पे कर देगा, डायरेक्ट इंडोर्सी को पे कर देगा, बराबर। और चौथा केस जो है अपने सामने वो फोर्थ वाला जो केस है वो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है वो फोर्थ वाला केस है, उसमें उसका मतलब होता है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन। भाई सिंपल सी बात है, मैं ड्रॉवर हूँ, मुझे अर्जेंट पैसा नहीं चाहिए, पर ये कलेक्शन करने का झंझट कौन करे, एक काम कर, मैं क्या करूँगा, बैंक को बोलूँगा एक काम करे बिल लो, आप जाके कलेक्ट करके हो, तो मैंने उसको बिल दिया, बोला एक काम कर तू वसूली करके आना, तू कलेक्शन करके आना, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बोले वापस एक बार, चार कौन से सीनरीज होते हैं ड्रॉ के पॉइंट से, ड्रॉ के पास चार ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, कौन से, 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट वन कौन सा, भाई कुछ नहीं करना, अपने पास रखना है, ठीक है ना, रुकना पड़ेगा ड्यू डेट तक, रिटेनिंग द बिल, क्या बोलते इसको, रिटेनिंग द बिल। सेकंड क्या है, बैंक में जाओ डिस्काउंट करो, कौन सी बैंक है,
जी जो भी बैंक है, ये बैंक बैंक में गया, बैंक से डिस्काउंट कट कर दिया, डिस्काउंट अपना लॉस था, जो पैसा मिला उसको बोलता है डिस्काउंटिंग द बिल। क्या बोलता हम? डिस्काउंटिंग द बिल। थर्ड वाला केस क्या? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब क्या? किसी पार्टी को पकड़ो जो अमीर खासा, अच्छा खासा अमीर है, उसको दे दिया बिल, बिल बिल के पैसे ले लिए, वो ड्यू डेट का वेट करेगा और ड्यू डेट पे पैसा ड्रॉ किसको देगा? इंडोर्सी को पैसे देगा। तो उस केस में इंडोर्सर इंडोर्सी हो जाएगा, जो बिल दे रहा है वो इंडोर्सर, जिसको दिया वो इंडोर्सी, और ये प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। क्या बोलते हम? इंडोर्समेंट ऑफ बिल। और लास्ट केस जो है वो है बहुत सिंपल केस, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब क्या कि भाई हमने ड्यू डेट का वेट ही करना, पर बैंक को बिल देना, बैंक तू कलेक्ट करके रखा, और बैंक उसको कुछ चार्ज भी करती है पर नॉर्मली कम होता है, इसको बोलता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये चारों के पॉइंट से अपन क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, बट फ्रॉम टुमारो, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने क्या क्या फिनिश किया था। एक बार वापस सम अप कर लेते हैं क्या क्या चीज है, ठीक है ना? हमने देखा था कि बिल जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैसा है, ठीक है? फिर हमने देखा था कि भाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये सब चीज जो है, पहले ट्रस्ट होता था, अभी आजकल ट्रस्ट नहीं हुआ, तो अब आजकल सिक्योरिटी रखनी पड़ी। सिक्योरिटी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम सिक्योरिटी को? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम हुंडी भी बोलते हैं। तो ड्रॉवर है, ड्रॉई है, पेई है, तीन पार्टी हो गए। ड्रॉवर बिल बनाता है, ड्रॉई बिल बनता है, और पेई मतलब कौन? द पर्सन हुज द रिसीवर ऑफ द पेमेंट, बराबर है? फिर हम देखा था व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बराबर? इट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल मतलब फ्री ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट मतलब बताया रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है? उसका देखा था फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, यहाँ पर स्टैम्प था, ड्रॉ का नाम था, अमाउंट था, फिर बीच में तीन लाइन थे, डैश मार्क डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज जो जो है, फिर ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड वगैरह, ठीक है? फिर उसमें ड्रॉ का ड्रॉ का साइन, ड्रॉई का नाम, और उसमें एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से नेक्स्ट पॉइंट आता था, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस में देखा था दो टाइप के एक्सेप्टेंस, वन इज जनरल एक्सेप्टेंस, वन इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल क्या? नो चेंज इन द बिल इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस। चेंज कुछ हुआ उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस जो होता है बहुत टाइप के होते हैं, पांच टाइप के होते हैं, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, राइट? उसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं। टर्म मतलब क्या? ड्यूरेशन। उसका ड्राफ्ट मतलब क्या? व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट मतलब होता है बिल साइन, बिल एक्सेप्ट होने के पहले जो होता है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट बोलते हैं। और ड्यू डेट जो अपना अलग कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, मतलब मैच्योरिटी डेट जो होता है, मैच्योरिटी डेट, द डेट ऑन विच द बिल बिकम्स ड्यू, उसको बोलते हैं ड्यू डेट। उसके बाद देखा था इनलैंड बिल, फॉरन बिल, इधर ही बनाया, इधर ही पे हुआ इनलैंड बिल, इधर बनाया बाहर पे करेंगे, बाहर बनाया यहाँ पे करेंगे, फॉरन बिल, ट्रेड बिल जो हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रेड बिल, मतलब क्या? जिसमें कंसिडरेशन या अमाउंट इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल, बराबर है? फिर हम देखा होल्ड होल्डर, क्या? मुझे बिल मिलेगा, पोजिशन मेरे पास है और मैं ही उसका ओनर हूं, पोजीशन उसको होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब क्या कि बिल मुझे मिलेगा, मैं पोजीशन हूं, मैं ही उसका ओनर हूं, पर बिफोर मैच्योरिटी मिलेगा और इन गुड फेथ मिलेगा, तो मैं बोल गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ, याद रखना, इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ ड्यू डेट, दो टाइप के ड्यू डेट है, वन इज नॉमिनल, वन इज लीगल। फिर हम देखा था थ्री ग्रेस डेज ऐड होता है, थ्री ग्रेस डेज जो है वो लॉ बाय लॉ होता है, ठीक है? अब ऐसे भी कुछ केसेस होंगे जिसमें आपको तीन दिन या ऐड नहीं करने पड़ेंगे, उसके भी टाइप्स होते हैं, हम देखेंगे आगे सॉल्व करते वक्त वो चीज़ क्या क्या है, राइट? ड्यू डेट के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वी शुड नॉट ऐड द थ्री ग्रेस डेज। उसके बाद मैंने देखा था तीन और कॉन्सेप्ट थे, ऑनरिंग, डिसऑनरिंग एंड रिटायरमेंट। ऑनरिंग मतलब क्या? टाइम पे पेमेंट होना, डिसऑनरिंग मतलब क्या? टाइम पे पेमेंट नहीं होना, और रिटायरमेंट मतलब क्या होता है? पेमेंट हैज टू बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होगा तो और एक कॉन्सेप्ट आएगा रिबेट का, कौन देगा? ड्रॉ देगा किसको? ड्रॉई को, करेक्ट है? उसके बाद देखा था नॉटरी पब्लिक ऑफिसर, जो पब्लिक ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपॉइंट करता है पेई या फिर ड्रॉवर इन केस ऑफ डिसऑनर, मुझे तो कौन से केस में? इन केस ऑफ डिसऑनर। अब जो नॉटरी पब्लिक आएगा, नॉटरी पब्लिक जो था अपना ये बंदा नॉटरी पब्लिक था, ऑफिसर था, इसको हमने पेमेंट किया नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस पहले कौन पे करेगा? पेई या फिर ड्रॉवर, और इनिशियली बाद में लेटर जो है रिकवर करेगा किसे रिकवर करेगा? फ्रॉम ड्रॉई, बराबर है? फिर हमने देखा अकाउंट ट्रीटमेंट, फिर हमने कुछ बंच के रियल नॉमिनल पर्सनल, रियल में हमने क्या करेंगे? और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, नॉमिनल में डिस्काउंट चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, कमीशन चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पर्सनल में क्या आएगा? ड्रॉवर का नाम, ड्रॉई का नाम, पे का नाम, ये सब कौन से? पर्सनल अकाउंट में आएगा, बैंक बीस में आएगा। आगे फिर हम देखा था भाई ड्रॉ जो है, ड्रॉ के पास कौन से केसेस है? फर्स्ट केस रिटेन, अपने पास बिल रखना, किधर देने का नहीं, बिल मेरे पास है, उसको रिटेनिंग बोलते हैं। सेकंड बैंक में डिस्काउंट किया। थर्ड वाला केस कौन सा था? किसी पार्टी को, किसी अपने फ्रेंड को बोल के इंडोर्समेंट करवा दिया। और चौथा वाला था बिल्स इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, बराबर है? सो विद दिस वी हैव डन विद द वी हैव ऑलमोस्ट या फिर वी हैव एवरीथिंग फिनिश, वी हैव फिनिश्ड विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कुछ एक कंसेप्ट रहेगा तो हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते हो कर लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, ठीक है ना? तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इसी के साथ हम लोग कल जो हम लोग करेंगे डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे उसी चार केसेस में कि भाई रिटेनिंग के कॉन्सेप्ट में कौन से एंट्रीज पास करेंगे, डिस्काउंटिंग में कौन सी एंट्री पास करेंगे, इंडोर्समेंट में कौन से एंट्रीज होंगी, और उस केस में बिल्स इनटू बैंक फॉर कलेक्शन में क्या एंट्री होगी फ्रॉम बोथ ड्रॉवर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ड्रॉइज पॉइंट ऑफ व्यू। बाद में पे भी आएगा, ठीक है ना? सो आई होप दिस इज डन। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू मच, बाय बाय।